आइए आइए, मैं शेख यूनुस आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल सिविल में स्वागत करता हूँ और हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, आई एम वेरी फाइन माधवेंद्र, आप बताइए आप कैसे हो। हेलो अक्षय, हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए, कागज़ कलम कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए। सुमित, आज आपकी पहली क्लास है तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी तरह से डेली अपडेटेड रहिए। गुड मॉर्निंग प्रतीक, हेलो वीएस। चलिए आ जाइए फटाफट, बाकी सारे जो स्टूडेंट थे अब तक आए नहीं हैं। हमने YouTube के ऊपर भी आपको पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए नोटिफिकेशन दिया था अभी की इस क्लास का, और साथ साथ में हमारे इंस्टा का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी हमने आपको नोटिफाई किया था। जो लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा शायद, और जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाय मिहिर, हेलो, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम जो है एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। हमने अब तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ख़त्म किया है, ठीक है, अच्छी तरह से। और शुभम चोपड़ा कह रहे कि सर एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, सोचते अपन, ठीक है, देखिएगा, अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं तो मतलब उससे कोई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं तो अपन ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अभी इंस्टाग्राम तो हर एक कोई यूज़ करता है, ठीक है, हर कोई यूज़ करता है इंस्टाग्राम तो। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा था, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, सोचने पड़ते हैं, ठीक है, तो देखेंगे अपन जो भी है। हेलो मासी, गुड मॉर्निंग, आ जाइए फटाफट, चलिए। हाँ माधवेंद्र कह रहे हैं कि डीएसएस के बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो ये हमने अभी खास अभी कोई सोचा नहीं इसके बारे में, डिस्कशन करेंगे आप सभी से और लाइव डिस्कशन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे आप सभी के प्रेजेंट में कि कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, हम जैसे ये डीएसएस ख़त्म होता है उसके बाद हम थोड़ा आराम कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक नई घोषणा करेंगे, नया अनाउंसमेंट करेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे आपको कि अब हम दूसरा सब्जेक्ट की लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितना समर्थन, कितने लोगों का समर्थन मिलता है पहले तो ये देखना होगा और उसी के हिसाब से हमें आगे सब्जेक्ट को डिसाइड करना होगा। ठीक है, वैसे तो हमने प्रीवियसली जो फॉर्म आपको दिया था उसके हिसाब से जो मेजोरिटी, सेकंड मेजोरिटी आ रही थी सब्जेक्ट को, वो थी हमारी डीआरसीएस की, तो हम सोच रहे थे कि डीआरसीएस हो सकता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, बट डिपेंड्स ऑन यू फर्दर। ओके, चलिए, तो चलिए, काफ़ी लोग आ चुके हैं, थैंक यू निकुंज, थैंक यू। अब हम शुरू करें भाई, देखिए हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा इस डीएसएस का और सिंपल आसान चैप्टर होगा, ठीक है, और लास्ट चैप्टर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो फुट ओवर ब्रिज है। ओके, बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा चैप्टर है। ओके, तो चलिए शुरू करें अपन। अब जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो अभी लाइक नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में फिर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करवा देना, मतलब कर देना, ठीक है। ओके, हाँ मैं आपको कोड की थियरी दे दूंगा, ठीक है, कोड की थियरी मैं आपको दे दूंगा सारी चीज़ें, आप इसकी चिंता ना करें, आज या आज शाम को या मेरे कल सुबह आपको मैं जो है कोड की थियरी बता दूंगा। देखिए हम जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म होता है, शायद ये देखिए आज हमारा एक हम एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे फुट ओवर का आज, और अगर ख़त्म हुआ तो ठीक है आज इस सुबह लेक्चर में, वरना फिर अपन आज रात का जो लेक्चर होगा उसके अंदर तो इसको कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है, फुट ओवर को। हो सकता है मैं आपको 3 बजे भी एक अनाउंसमेंट कर दूँ लाइव क्लास का, तो आप अलर्ट रहना हो सके तो, ठीक है, नहीं तो फिर हमारा रात को तो 10 बजे पक्का ही होता है, ठीक है, तो अपन रात 10 बजे मिलेगी और इसको आज कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करेगी, ठीक है। अगर आज चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको कल जब सुबह या फिर कल रात में जब लाइव आऊँगा तो आप हम उसके अंदर जो है इन सारे थियरीज के बारे में, ठीक है, सिलेबस के बारे में, पेपर स्टाइल के बारे में, पेपर फॉर्मेट के बारे में, या फिर कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, कि आपको कौन सी थियरी कहाँ से लेनी है, आईएएस कोड के अंदर क्या क्या थियरी दे रखी है, कहाँ का दे रखी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सारे इसके लिए हम अलग से एक सेशन रखने वाले हैं, मैंने सोच के रखा है, ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करें जो भी लोग हैं, तो इसके लिए हम अलग से बातें करेंगे अलग से लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं फुट ओवर ब्रिज के बारे में, आज हम किसकी बात करेंगे, फुट ओवर ब्रिज। तो देखिए अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा
नवीन कह रहे हैं कि सर इसके बाद एफएम स्टार्ट करो। ठीक है नवीन, हम जो भी हम स्टार्ट करने जाएंगे सबसे पहले आपकी राय लेंगे हम, ठीक है, सजेशन लेंगे आपसे, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, अभी हमने फाइनल डिसाइड नहीं किया है। ओके, तो अपन देखेंगे जो अभी है, जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी बातें थोड़ी कम कर लीजिए, हम बाद में बीच बीच में बातें करते रहेंगे, पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, चैप्टर को। चैप्टर हमारा है फुट ओवर ब्रिज। ओके, डिज़ाइन ऑफ फुट ओवर ब्रिज। मैंने आपको बताया था पहले ही लाइफ जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कि फुट ओवर ब्रिज क्या होता है, फुट ओवर ब्रिज क्या होता है और फुट ओवर ब्रिज कहाँ होता है और इसका क्या यूज़ होता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, फिर भी बता दूँ आपको, फुट ओवर ब्रिज एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज हम किसे कहते हैं, और पेडेस्ट्रियन ब्रिज मतलब क्या है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स चलते हैं, ठीक है, और गाड़ी व्हीकल्स वगैरह वहाँ पर चल नहीं सकती, वो उनके लिए नहीं बनाया जाता है। कहाँ यूज़ होता है ये, तो रेलवे क्रॉसिंग्स होती है, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग्स होती है, प्लेटफॉर्म जब क्रॉस होते हैं तब, या फिर रोड के ऊपर भी आपने देखा होगा जो ऊपर स्काई वॉक जो होते हैं, ठीक है, वो जो हैवी ट्रैफिक के रोड जो होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक को बीच में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ऊपर से ब्रिज बनाए जाते हैं। आपने काफ़ी सारी मेट्रो सिटीज़ में देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं मेगा सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ के अंदर। तो ये सारे उसके बेसिक फंक्शन होते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर जो है फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं। फ्रेट ट्रस होता है, वॉरन ट्रस होता है, एन टाइप ट्रस होता है, ठीक है, तो काफ़ी सारे अलग अलग हाउ ट्रस होता है। तो ये अलग अलग ट्रस होते हैं जो कि आपको आपकी बुक ने दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपके पास बुक में आपको दे नहीं रखे हैं या फिर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल करके इसे देख सकते हो, नंबर्स ऑफ ट्रस और टाइप ऑफ ट्रस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, ये गूगल बाबा की देन है। चलिए तो बेहतर होगा कि आप देख लीजिए एक बार ट्रस्ट के टाइप कौन कौन से है, खामखा उसके अंदर टाइम यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं जो आपको एग्जांपल के अंदर काम लगेगी, यूज़ में आएगी, वही चीज़ें हम ज़्यादातर इसके अंदर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पहले फुट ओवर ब्रिज जो होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से, मतलब जो ट्रस होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जिसको बारे में हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर आगे डिज़ाइन करना है या बातें करनी है, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट हमें एनालाइज करने हैं और डिज़ाइन करने और किस तरह से करने होते हैं, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, एक मैं देखिए और आपको बता दूं कि जो कॉमन टाइप का ट्रस यूज़ किया जाता है वो या तो होता है प्रेट्रस, एन टाइप ट्रस जिसे हम कहते हैं यार, ठीक है, प्रेट्रस या एन टाइप ट्रस या फिर हाउ ट्रस या फिर वॉरन ट्रस, ये तीन चार ऐसे होते हैं कॉमन टाइप के। इसमें से जो ज़्यादातर कॉमन होते हैं वो होते हैं वॉरन ट्रस, ठीक है, या फिर एन ट्रस, एन टाइप के ट्रस होते हैं वो, ठीक है। अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है एन टाइप ट्रस है, ठीक है, ये क्या है, एन टाइप ट्रस हम बना रहे हैं, या आगे समझ लो कंटिन्यू होता है, ठीक है, इसे हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि हम इससे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, हम इसका अभी साइड से देख रहे हैं, हम इसे अगर ऊपर से देखें, क्योंकि कंपोनेंट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कंपोनेंट के बिना आप इसे डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इस तरह से आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, चलिए अपन इसकी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले होता है, इसे हम कहते हैं टॉप कोर्ड मेंबर्स, टॉप कोर्ड मेंबर्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भूल ना करें, टॉप कोर्ड मेंबर्स इसे हम कहते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, टॉप कोर्ड मेंबर्स, और ये जो होते हैं ये कंप्रेशन में होते हैं, ठीक है, टॉप कोर्ड मेंबर्स हमारे कंप्रेशन में होते हैं, तो ये इसे हम कहते हैं टॉप कोर्ड मेंबर, जिसको आपको एनालाइज करना होता है कि ये टॉप कोर्ड मेंबर के अंदर कितना लोड है, और इसे आपको डिज़ाइन भी करना होता है, इसका कनेक्शन भी आपको डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, हम आगे एग्जाम्पल के अंदर इसके बारे में बातें करेंगे और, ओके। इसे हम कहते हैं बॉटम कोर्ड मेंबर, इसे हम क्या कहेंगे, बॉटम कोर्ड मेंबर कहेंगे, मतलब ये बॉटम में होते हैं, ठीक है, और ये टेंशन में होते हैं, ठीक है, ये बॉटम कोर्ड मेंबर जो होते हैं वो टेंशन में होते हैं, ठीक है, इसे भी हमें एनालाइज करना होता है कि इसके ऊपर टोटल लोड कौन कौन सा आ रहा है, और इसके अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ये हम अलग अलग मेंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि इसे हम अगर यू जीरो कहें, इसे यू वन कहें, इसे यू टू कहें, तो यू जीरो यू वन एक मेंबर हो गया, यू वन यू टू दूसरा मेंबर, तो इस तरह से हम अलग अलग मेंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो बॉटम कोड मेंबर होते हैं उसी को, उसको भी हम इसी तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसे हम L0 कहे तो इसे हम L1 कहेंगे, इसे हम L2 कहेंगे, तो ये एक मेंबर जो पहला हो गया ये L0 L1 मेंबर हो गया, बाद में उसके L1 L2 मेंबर हो गया। अब जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर नामकरण किया है वही आपको करना है,
जो नामकरण मैंने किया है वही आपको करना है, ज़रूरी नहीं है आपने, मैंने यहाँ पर यू ले रखा है, आप दूसरा जो के जो भी आपको लेना है आप यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई थम रूल नहीं होता है। ओके, आपकी समझने के ऊपर आधार है। तो ये टॉप कोड और बॉटम कोड की बात हो गई है। ये जो होते हैं ये विषम कहते हैं वर्टिकल मेंबर्स, इसे हम कहते हैं वर्टिकल मेंबर्स। इन वर्टिकल मेंबर्स को भी हमें डिज़ाइन करना होता है, इन वर्टिकल मेंबर्स को हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। सिमिलरली ये होता है डायगनल मेंबर्स, डायगनल मेंबर्स को भी एनालाइज करना होता है, कौन कौन से लोड इसके अंदर आएंगे, कितने आएंगे, ओके। और जो वर्टिकल मेंबर होते हैं इसके अंदर कॉम्प्रेशन एज वेल एज टेंशन दोनों होते हैं, ठीक है। वर्टिकल मेंबर के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रेशन एज वेल एज टेंशन दोनों होते हैं। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको ये पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के दौरान फिर कई सारी चीज़ें नई नई महसूस ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से करवा रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ बेसिक इसके कंपोनेंट थे। अगर अपन ऊपर से देखें, इसके टॉप व्यू से देखिए, प्लान देखिए उसका, ठीक है, तो ये होगा पूरा ट्रस आपका, ठीक है। इसे हम एन टाइप ट्रस हमने दिया था, ठीक है, एन टाइप लैटिस ट्रस के तरह से, लैटिस, ओके, लैटाइस नहीं, लैटिस होगा, ठीक है। तो ये एन टाइप लैटिस ट्रस होगा आपका इस तरह से। और देखिए यहाँ पर ये जो होता है, ये जो मेंबर होता है, इसे हम क्रॉस बीम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस बीम कहते हैं। ये जो बीम होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस बीम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें। ये भी आपको इसके लिए डिज़ाइन करनी होती है, सबसे पहले आपको इसी को डिज़ाइन करना होता है, क्रॉस बीम को, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेसिक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे जो आपको थ्रू आउट एग्जांपल के अंदर इन्हीं के बारे में बातें करनी है, इन्हीं को एनालाइज करना है, इन्हीं को डिज़ाइन करना है, समझ आ गई बात है आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़े अब एग्जांपल की ओर, या फिर आप और कुछ जानना चाहते हो, कोई बात नहीं, हर्ष आ जाइए, चलिए फटाफट। भारत कुमार कह रहे हैं कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। आई एम सॉरी भारत कुमार, बट यू आर द ओनली वन पर्सन हु वांट टू एक्सप्लेन दिस ऑल और लर्न दिस ऑल थिंग्स इन इंग्लिश ओनली, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फाइंड डिफिकल्टी इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स व्हाई फॉर वन पर्सन ओनली वी कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज ऑफ होल वीडियो, ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए तो एग्जाम्पल की ओर बढ़े आगे, यस और नो, एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़े, यस और नो, अच्छा। मीट ठाकुर पूछ रहे कि सर हाउ फॉर हाउ मच मार्क्स इट, देखिए ये 7 मार्क्स तक आपको आ सकता है, ओके, 7 मार्क का इसका एक एग्जाम्पल आपको आ सकता है, ओके। और जहाँ तक आपका नया पेपर फॉर्मेट हो है अभी शायद, तो उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो 7 मार्क का ही होगा शायद, ठीक है, शायद मैं आपको बता दे कंफर्म करके कहूँगा बाद में, जो भी है हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अच्छा चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिए 2 एग्जांपल आपको आपकी बुक में दे रखे हैं, एन टाइप और वॉरन टाइप। हम पहले एन टाइप को डिस्कस करेंगे, बाद में वॉरन टाइप को, दोनों एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही एग्जाम्पल करवा दूंगा, ओके। तो अपन दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल आसान भाषा में, इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, चलिए। हाँ तो मार्किंग सिस्टम जो भी है वो हम बाद में पेपर स्टाइल के जरिए देखेंगे, पेपर फॉर्मेट में जो भी होगा नया उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। देखिए एग्जांपल आपको दे रखा है, और हाँ ये जो भी इसके अंदर ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह है, फिर ज़्यादा डीप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओरिएंट या फिर फोकस करना है, ठीक है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। हर एक जो चैप्टर हमने देखा था चैप्टर, उसके अंदर हम ज़्यादातर डीप में नहीं गए थे, हालांकि समझने को और पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं घंटे गड्ढर में, प्लेट गड्ढर में, ठीक है, बहुत डीप में हम जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रही है और एग्ज़ाम के अंदर जितना आ सकता है जो इंपॉर्टेंट है हमने वही सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की है, ओके। चलिए उसी तरह से हम फुटओवर ब्रिज के अंदर भी करेंगे, तो फुटओवर ब्रिज का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, चलिए फटाफट फुटओवर ब्रिज का एग्जाम्पल क्या है, कौन सा है लिख लीजिए। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, डिजाइन अ स्टील फुटओवर ब्रिज फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको एक स्टील फुटओवर ब्रिज बनाना है, डिजाइन करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको सबसे पहले दे रखा है स्पान ऑफ ब्रिज, आपको स्पान ऑफ ब्रिज दे रखा है कितना, 24 मीटर का, ओके। उसके बाद आपको विड्थ ऑफ वॉकवे दे रखा है, विड्थ ऑफ वॉकवे आपको दे रखा है दैट इज 4 मीटर, ओके। मैं आपको बताऊंगा सारे डेटा आपको कैसे दे रखे हैं, फिगर के साथ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम हर बार करते हैं स्टेप्स के बारे में,
तो स्टेप्स के अंदर इसके अंदर कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, स्टेप के अंदर अगर बात करूँ मैं तो इसका जो ज्योमेट्री होती है इस पूरे ट्रस की, वो आपको पहले बनानी होती है। ज्योमेट्री किस तरह से बनाते हैं, तो भाई ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि ब्रिज की हाइट कितनी होगी, मतलब रूफ ट्रस की हाइट कितनी होगी, उसके बाद उसकी विड्थ कितनी है, उसके बाद उसके अंदर पैनल कितने होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री के अंदर आती है। उसके बाद हमको डायरेक्ट क्रॉस बीम को डिज़ाइन करना है। क्रॉस बीम को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो लोड कंसिडरेशन कर लीजिए, उसके बाद लोड के अंदर मोमेंट, और लोड के बाद मोमेंट निकाल लीजिए, शियर निकाल लीजिए, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्लासीफाई कर लीजिए, मोमेंट को कैपेसिटी चेक कर लीजिए, शियर कर लीजिए, ओके, शियर कैपेसिटी चेक, तो आपका ये क्रॉस बीम डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको सारे वर्टिकल मेंबर्स, डायगोनल मेंबर्स, टॉप कोड मेंबर, बॉटम कोड मेंबर के साथ खेलना है, ठीक है। तो यही सारे इसके अंदर बेसिक स्टेप्स, इसलिए मैंने आपको लिखा है नहीं है, कन्फ्यूजन वाले कोई स्टेप इसके अंदर है नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपको विड्थ ऑफ वॉकवे दे रखी है 4 मीटर की। आगे आपको दे रखा है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग माने क्या होता है, तो जो भी फ्लोरिंग मटेरियल्स ब्रिज के ऊपर चलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ट्रस के ऊपर चलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम फ्लोरिंग कहते हैं। तो आरसीसी वहां पर फ्लोरिंग दे रखी है आपको, आरसीसी स्लैब 110 mm थिक, ओके, आरसीसी स्लैब आपको दे रखा है 110 mm थिक फ्लोरिंग, एज अ फ्लोरिंग, ठीक है। उसके बाद आपको आगे कहा गया है लाइव लोड जिसके ऊपर आने वाला है वो कितना है, लाइव लोड 5 kN/m², ये एरिया में दे रखा है आपको। उसके बाद क्या देगा आपको, फ्लोर फिनिश, मतलब जो फ्लोरिंग के ऊपर जो फ्लोर फिनिश किया जाता है, ठीक है, वो आपको जो दे रखा है, आप उसका जो लोड दे रखा है, ठीक है, वो आपको 0.75 kN/m² दे रखा है। उसके बाद आपको कहा गया है कि आपको एन टाइप लेटाइस लेटिस गर्डर यूज़ करना है, एन टाइप लेटिस गर्डर आपको यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको सवाल में ऐसा नहीं दे रखा है कहीं कि आपको कौन सा गर्डर यूज़ करना है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चाहे वो वॉरन टाइप हो, ओके, चाहे वो एन टाइप हो, जो भी आपको करना है, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको यही करना है वही करना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी आप चला सकते हो, अगर आप गिवन है देन यू मस्ट हैव टू गो फॉर दिस, ओके। और आपको आगे कहा गया है कि भाई जो भी डेटा आपको सूटेबल लगते हैं डिज़ाइन के दौरान वो आप एज्यूम कर सकते हो। और लास्ट में आपको कहा है रैकर्स आर प्रोवाइडेड एट अल्टरनेट टॉप कोड मेंबर जॉइंट। रैकर्स क्या होते हैं, देखिए रैकर्स मैं आपको बता दूं एक फिगर के मदद से, रैकर्स होते क्या है। अगर हम इस ब्रिज को मान लीजिए, ये आपका ब्रिज है इस तरह से, ठीक है, मतलब यहाँ से लोग, ये आपका जो पेडेस्ट्रियन वॉक है, ये आपका जो वॉकवे है, ठीक है, यहाँ पे लोग चलते हैं, तो ये एक सपोर्ट होगा, ये एक सपोर्ट होगा, तो यहाँ पर जो टॉप कोड मेंबर होते हैं, यहाँ पर जो टॉप कोड मेंबर होते हैं ये वाले, ये सपोर्टेड होते हैं इस तरह से एक डायगनल या इंक्लाइन सपोर्ट से, ये सपोर्टेड होते हैं इस तरह से एक इंक्लाइन सपोर्ट से। तो ये जो इंक्लाइन सपोर्ट आपको दिख रहा है, इसे हम रैकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम रैकर्स कहते हैं, ठीक है। इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ये आपका वॉकवे इस तरह से, आप यहाँ पर चलोगे, ठीक है, इसके ऊपर लोग चलते हैं, ओके, इसके ऊपर लोग चलेंगे सारे, और ये आपका साइड में एक सपोर्ट मेंबर होगा, साइड का मेंबर होगा, और ये उस टॉप को, यहाँ से देखिए टॉप कोड मेंबर को सपोर्ट कर रहा है, उसे हम रैकर्स कहेंगे। तो आपको यहाँ पे कहा कि अल्टरनेट रैकर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, मतलब एक के बाद एक, ठीक है, कंटिन्यू ने प्रोवाइड नहीं कर रखे, गैप में प्रोवाइड कर रखा है, ओके, वो हम आगे बातें करेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपको एक डेटा गिवन है यहाँ पर ब्रिज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको इसके अंदर होता है भाई, आप सभी ने एग्जाम्पल लिख लिया है, ओके, वेरी गुड, कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। चलिए, अभी तो हमने एग्जाम्पल शुरू भी नहीं किया मिहिर, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपके ट्रस की ज्योमेट्री बनती है पहले वो आपको डिसाइड करनी होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री मतलब क्या है उसके, ज्योमेट्री ऑफ ट्रस, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसके अंदर भाई, ज्योमेट्री के अंदर, कि इसकी डेप्थ कितनी होगी। डेप्थ मतलब क्या होती है कि आपका मान लीजिए ये एक ट्रस है इस तरह से, ठीक है, आपका आपके एंट्रस दे रखा है ना आपको, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो होती है इसे हम हाइट कहते हैं ट्रस की, इसे हम हाइट कहते हैं, या फिर डेप्थ भी हम इसे कह सकते हैं, हाइट या डेप्थ जो भी आपको कहना है, ठीक है, इसे डेप्थ कह लो या हाइट कह लो, ठीक है, ये होता है डेप्थ या हाइट, ठीक है। आपको ये पहले निकालना होगा क्योंकि ये कितना दे रखा है हमें सवाल के अंदर स्पष्ट नहीं दिया है, तो भैया ये निकालना होगा। अब ये किस तरह से निकाला जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, डेप्थ इज इक्वल टू होता है L/8, कितना लेना होता है आपका, L/8 लेना होता है, ठीक है। डेप्थ कितना होता है, ये सारे आपको याद रखनी होगी चीज़ें, L/8, समझ आ रही बात है आपको। L इसके अंदर क्या है आपका, 24 मीटर का स्पान आपको दे रखा है, तो 24/8 मतलब 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा आपका हाइट, या फिर हम डेप्थ जो भी कहे इसको,
कितना हो जाएगा, 3 मीटर का डेप्थ हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात है। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि भाई पैनल, अब पैनल क्या होता है, तो देखिए ये जो एक बॉक्स आपको बन रहा है इसे हम पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पैनल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसे, हम पैनल कहते हैं। तो पैनल की विड्थ कितनी होगी, एक पैनल की विड्थ कितनी होगी, अब आपको ये पता करना है। ओके, ये किस तरह से पता किया जाता है, तो ये इसके लिए भी आपको क्या करना है, एल बाय एट ही करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एल बाय एट ही करना है। तो एल बाय एट फिर से 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पैनल विड्थ है ये भी 3 हो जाएगी। अब देखिए जब आपके पास पैनल विड्थ 3 है, आपको टोटल स्पान है जो है वो आपको 24 मीटर दे रखा है, तो नंबर ऑफ पैनल कितने हो जाएगी उसके अंदर, कोई मुझे बताएगा। अगर आपके पास टोटल स्पान 24 मीटर का दे रखा है और एक पैनल की विड्थ आपकी 3 मीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ पैनल आपकी कितनी हो जाएगी इस पूरे स्पान के अंदर, कोई बताएगा मुझे ज़रा। एट हो जाएगी, वेरी गुड मिहिर। तो नंबर ऑफ पैनल हम लिख सकते हैं यहां पर 8। ओके, नंबर ऑफ पैनल 8 आ चुके हैं। चलिए, हाँ वेरी गुड, सबको आता है, चलिए बढ़िया है। अब लेंथ ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल मेंबर इसके अंदर होगी, वर्टिकल मेंबर इनकी लेंथ कितनी होगी, तो ऑब्वियसली जिसकी जितनी इसकी डेप्थ होगी या हाइट होगी उतनी वर्टिकल मेंबर्स की लेंथ हो जाएगी। तो अपन इसको वर्टिकल मेंबर की लेंथ 3 मीटर मान लेंगे, ठीक है, मतलब है मान लिखा लेना है। और लेंथ ऑफ डायग्राम मेंबर मतलब ये क्या, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आपको ये पता है, ये पता है, ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। किस तरह से पता चलेगा आपको, तो अंडर रूट ऑफ 3² + 3² कितना आंसर आ रहा है इसका, 4.24। कितना आएगा, 4.24, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो 4.24 होगी। ये आपका 3 आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है, तो ये 4.24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इसकी ज्योमेट्री होती है वो हमने देख ली है कि भाई हर एक चीज़ यहाँ पर जो हर एक मेंबर है उसका क्या डायमेंशन होगा, ठीक है, किस तरह से कितना डायमेंशन होगा, नंबर ऑफ पैनल कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी पैनल की, उसकी हाइट कितनी होगी गर्डर की, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं और क्रॉस बीम को डिज़ाइन करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस बीम को मैंने बताया था आपको, क्रॉस बीम क्या होता है, हम अगर प्लान से देखें, इसे प्लान से अगर देखें तो ये जो होता है, ये होता है क्रॉस बीम, ठीक है, ये होता है क्रॉस बीम, इस तरह से, समझ आ रही है, इसमें हमें डिज़ाइन करना है। अब देखिए क्रॉस बीम को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले लोड निकालना होगा कि उस क्रॉस बीम के ऊपर एक्चुअली लोड आ कितना रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको लोड पता होना चाहिए, लोड के बेसिस पर हम आगे इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोड की अगर बात करें कि कौन कौन से लोड आएंगे, हाँ चलिए, तो अगर लोड की बात करें हम, अगर देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेड लोड ड्यू टू स्लैब होगा, मतलब जो भी स्लैब होगा आपका, आपको दे रखा स्लैब, ओके, उसका डेड लोड होगा। और स्लैब की जो थिकनेस है वो आपको दे रखी है, स्लैब की जो थिकनेस है वो आपको दे रखी है 110 mm की, ठीक है, 110 mm की थिकनेस है, और उसके अंदर कॉन्क्रीट यूज़ होगा, तो उसका आपका डेंसिटी जो होती है वो 25 होती है, ठीक है। तो अगर इनसे पॉइंट, ठीक है, 110 mm दे रखी है, हाँ ठीक है, तो 0.11 × 25 करो इसे, तो उसका आपको क्या मिलेगा, सॉरी, उसका आपको डेड लोड मिल जाएगा, उसका आपको क्या मिलेगा, डेड लोड 2.75, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। देखिए ये बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे स्टेप्स है, इसकी मुश्किल स्टेप होते हैं तो उसके अंदर समझाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये सिंपल सिंपल स्टेप है। ओके, तो उसके अंदर आपको डेड लोड निकाल लेना, इस तरह से डेड लोड आपका स्लैब का मिल गया आपको। उसके बाद दूसरा डेड लोड कौन सा होगा, तो वह फ्लोर फिनिश जो आपको सवाल में दे रखा है, फ्लोर फिनिश जो फ्लोरिंग मटेरियल यूज होता है वो। उसके बाद लाइव लोड, उसके ऊपर आपको 5 kN का दे रखा है। ओके, फ्लोर फिनिश, लाइव लोड और डेड लोड ऑफ स्लैब, 3 लोड मिलकर इसके ऊपर आने वाले हैं, बीम के ऊपर आएंगे, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात है। तो टोटल जो लोड आपके पास यहाँ पर आ रहा है ये आपका लाइव लोड हो गया, ठीक है, टोटल जो लोड आपके पास आ रहा है लाइव लोड है प्लस आपके पास फ्लोर फिनिश है, प्लस आपके पास फ्लोर फिनिश है, टोटल लोड आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर, आपके पास 8.5 हो रहा है, कितना, 8.5 हो रहा है, 8.5 टोटल लोड हो रहा है। और ये जो एक क्रॉस बीम होता है, ये जो एक क्रॉस बीम होगा आपका, ये कितनी डिस्टेंस का लोड सहन करेगा, कितने स्पान का लोड सहन करेगा, तो देखिए यहाँ से जो है आधा स्पान लेगा और यहाँ से आधे स्पान का लेगा, मतलब अगर मान लीजिए ये 3 मीटर का स्पान है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आधा 1.5, और यहाँ से आधा कितना हो जाएगा 1.5, मतलब टोटल क्या है ये 3 मीटर का स्पान का लोड बियर करेगा, कैरी करेगा, ठीक है, इस बीम के अंदर। ओके, समझ में आ गया आपको ये बातें। चलिए, इसके अंदर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए बता दिया मैंने आपको। तो भाई अगर हम देखें कि लोड पर मीटर लेंथ ऑफ बीम, मतलब 1 मीटर की लेंथ अगर बीम की है तो कितना उसके अंदर लोड होगा, तो आपने हमें पता है कि टोटल लोड हमारा कितना रहा है 8.5, और ये टोटल कितना लोड लेगा 3, ठीक है, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पे 25.5, मतलब 25.5 पर मीटर होगा आपका, ठीक है, किलो न्यूटन
पर मीटर आपका लोड यहाँ पर वो बीम लेगा, ठीक है। और उसका सेल्फ वेट, क्योंकि बीम का भी खुद का सेल्फ वेट होगा, बीम का कुछ तो कुछ आपका सेल्फ वेट होगा, यहाँ पर आपको सवाल में कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर एज्यूम कर लेना है। एज्यूम कितना करोगे आप, तो एज्यूम आप 0.5 करो, 0.6 करो, 0.8 करो, 0.4 करो, 1 करो, आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0.5 कर लेते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे, ताकि हमें उससे सॉल्व करने में समझ आ जाए, ठीक है। तो ये 26 आपका इसके अंदर टोटल लोड हो जाएगा, मतलब इस बीम को अब क्या करना है आपको 26 के लिए डिज़ाइन करना है, समझ आ रही है आपको बातें। टोटल लोड जो हमने मिला जुला के देखा है उसके ऊपर जो भी आ रहा था 26 आ रहा था, लेकिन ये वर्किंग लोड है, ठीक है। ये क्या है, वर्किंग लोड है, वी शुड हैव टू गो फॉर फैक्टर्ड लोड, ओके। तो फैक्टर्ड लोड में क्या होगा, 1.5 into 26 हो जाएगा, 1.5 into 26 हो जाएगा। तो फैक्टर लोड की वैल्यू आपकी 39 आ रही है, कितनी आ रही है, फैक्टर लोड की वैल्यू 39 किलोन्यूटन आ रही है आपकी, ठीक है, किलोन्यूटन पर मीटर, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमने फैक्टर लोड निकाल लिया। फैक्टर लोड के बाद आप लोगों ने बताया था कि मैक्सिमम, ये जो आपका मैक्सिमम लोड था, इसके लिए आपको इसकी वजह से मोमेंट कितनी क्रिएट होगी, ओके, ये निकालना होगा। उसकी वजह से आपकी शेयर फोर्स कितना क्रिएट होगा वो निकालना होगा, ओके। आपको क्या लगता है, मुझे मोमेंट वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं है, यस और नो, ताकि हम आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ सके और जो मेन हमें चीज़ें समझनी है वो हम समझ सके। क्योंकि ये देखिए चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है आप मुझे बताइए अपनी राय, यस और नो, मतलब मुझे अगर सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए मोमेंट जो हमारी आ रही थी वो कितनी आ रही थी भाई साहब, 78, ओके। और शीयर जो आपका आ रहा था वो कितना आ रहा था आपके पास, 78, ठीक है। मोमेंट भी 78, शीयर भी 78 आ रहा था, समझ आ रही है आपको बातें। तो अब हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, ZP के बेसिस पर हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, तो ZP निकाल लेंगे, ठीक है। ZP हम किस तरह से निकालते हैं, तो ZP का फॉर्मूला होता है MP अपॉन FY इंटू गामा M0, ये हमें पता है, ठीक है। तो MP जो है आपकी उसकी वो हो जाएगी मोमेंट, ठीक है। FY आपको 250 लेना है और ZP आपकी रिक्वायर्ड जो होती है वो आपको मिल गई 343.20 CM³, ठीक है। ये आपको ZP मिल गई इस तरह से। अब क्या करना है आपको, इसके लिए सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हो ISMB भी कर सकते हो, लेकिन आप ISW भी इसके अंदर सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जहाँ तक हो सके आपको वहाँ तक लॉन्ग बीम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप MB भी सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम बीम भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रीफरेबल इज ISLB। तो आपको क्या करना है, ISLB पहले ट्राई करना है। ISLB ट्राई करोगे तो किस बेसिस पर करोगे आप, उसकी जो ZP होगी, रिक्वायर्ड ZP, जो ZP मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड ZP है, तो इससे ज़्यादा वाला जो सेक्शन होगा वो आप सिलेक्ट करोगे, हाँ सॉरी लाइट बीम, ओके। तो भाई जो आपको है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, समझ आ रही है आपको बातें। तो ZP के बेसिस पर आपको जो है बीम सिलेक्ट करना है, आपको वहाँ पर सेक्शन ZP के बेसिस पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड होगी उससे कुछ ज़्यादा हद तक आपको जो है उसकी ZP पकड़नी होगी और वो सेक्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है ISLB 275, ओके। ISLB आपको जाना होगा यहाँ इसके लिए IS 800 2007 के अंदर या फिर स्टील टेबल के अंदर, आप जाके उसे देख सकते हो। हमने जो ISLB 275 सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर जो ZP है वो है 443। हमें ज़रूरत कितनी की है, ज़रूरत हमें यहाँ पर है 343 की, हमने सेलेक्ट कर रखा है 443, ठीक है। तो भैया ZP हमने इसके हिसाब से सिलेक्ट कर ली है। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ है, आप IS कोड आपके अपने बाजू में रख लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लिस्ट आउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, जरूर कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो कई सारे लोगों के अंदर ये परसेप्शन होता है कि वो क्या, उन्हें क्या लगता है कि नहीं हमें हर सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ लिखनी चाहिए, कंपलसरी होता है, मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। IS कोड अगर आपके पास है तो आप उसके अंदर से देख के एग्जाम के अंदर उसे लिख सकते हो, ओके। तो ZP हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए वो ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस सेक्शन इज ओके। इस सेक्शन को आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको मोमेंट कैपेसिटी निकालनी होती है, तो मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपका वही से फिर से वही हो जाएगा, बीटा BZP FY डिवाइड बाय गामा M0। तो उसके लिए BB की वैल्यू डिपेंड करती है आपका सेक्शन के क्लासिफिकेशन पर, तो उसके लिए आपको सेक्शन क्लासिफाई करना होगा। अब सेक्शन क्लासिफाई करने के लिए आपको अच्छी तरह से आता होगा किस तरह से करना है, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे लाइव क्लास के तो आपको पता होगा कि ZP किस तरह से, सॉरी क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है, पेज नंबर 18 के ऊपर जाके, ठीक है। मुझे इसको करवाना होगा या नहीं करवाना होगा, यस और नो, क्या हम सही जा रहे हैं या फिर मुझे डिटेल में सॉल्व करवाना होगा, आप मुझे बताइए। डिटेल में सॉल्व करवाओ तो यस लिखिए, अगर डिटेल में अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, डिटेल में सॉल्व नहीं करना है तो नो लिखिए, जल्दी लिखिए फटाफट, चलिए ताकि मुझे पता चले कि हम सही जा रहे हैं। अच्छा डिटेल में सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। डिटेल, अच्छा श्याम जोशी कह रहे हैं कि डिटेल में सॉल्व करवाओ, मीत कह रहे हैं कि डिटेल में सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई है जो मुझे कोई सजेशन देना चाहेगा अपनी तरफ से,
बस इतने ही लोग हैं, इतने ही लोग हैं, और कोई मुझे नहीं बना आएगा भाई क्या क्या करना है हमें। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। श्याम जोशी, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन के अंदर खामखा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए तो भाई देखो यहाँ पे क्या है कि हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन आ रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल होता है, आसान होता है, ओके। तो हमारे पास जो है प्लास्टिक सेक्शन आ रहा है यहाँ पर, समझ आ रही है बात है। और यहाँ पर जो है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी करनी होगी आपको। मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला वही होता है बीटा बी जेड पी जो मैंने आपको बताया वो, ठीक है। और ये जो मोमेंट आपकी डिजाइन मोमेंट होती है, एमडी मतलब डिजाइन मोमेंट, और डिजाइन मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम मोमेंट। जो आपकी मोमेंट आ रही थी यहाँ पर हमने निकाली थी 78, तो 78 से ज़्यादा होनी चाहिए। 100 आ रही है इट मीन्स ओके, ठीक है, सेफ होगा। शेयर कैपेसिटी करनी है, शेयर कैपेसिटी के अंदर क्या है तो वीडी का फॉर्मूला आपको पेज नंबर 59 के ऊपर दे रखा है, वो आपको यूज़ करना है। और उसी के मुताबिक जो आपका डिज़ाइन शेयर है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास 78 और डिज़ाइन हमारे पास कितना आ रहा है 138 आ रहा है, ओके। 0.6 वीडी करोगे तो इसका मतलब शेयर के अंदर भी ये हमारा सेक्शन सेफ है। तो ये हमने यहाँ पर सेक्शन जो सिलेक्ट किया है इसके लिए वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है और सारी चीज़ों में सेफ है, ठीक है, ओके। वेलकम हैनिश, थैंक यू सो, मतलब आप DRCS DSS एंड PPV ग्रेड ग्रेड से पास हो चुके हो, जिसके लिए हमारे आपको बहुत बहुत बधाई है, बधाई, ठीक है। हमारी तरफ से टेक्निकल सिविल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। AV आपको पता है ना वहाँ पर H into TW होगा, ठीक है। ये मुझे बताएगा कौन सा केस होगा ये वहाँ पर, AV H into TW क्यों आएगा, कोई बताएगा मुझे why it would be H into TW वहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है H into TW क्यों। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ बिल्टअप सेक्शन या फिर वेल्डेड वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है, हम यहाँ पर हाँ बिल्कुल ओके। तो उसके लिए इसकी वैल्यू H into TW आ जाएगी, ओके। तो हमने यहाँ पर डिज़ाइन को अच्छी तरह से, सॉरी, बीम को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लिया है। इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए मुझे, अब तक यहाँ तक अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, यस और नो, आगे बढ़े, यस और नो, ठीक है। चलिए ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब मेन स्टेप आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि अब आपको क्या करना है, एन टाइप लैटिस जो गर्डर है आपका उसे डिज़ाइन करना है, उसे आपको डिज़ाइन करना है। अब उसे डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया आपका वही होना चाहिए कि भाई आपको लोड निकालना होगा कि लोड कितने हैं, कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके ऊपर लोड देखें कि भाई डेड लोड स्लैब का कितना आ रहा था, और एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, एन टाइप लैटिस गर्डर जो होते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये हम प्लान देख रहे हैं ऊपर से, ये हम क्या देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटर होगा, यहाँ से आपको विड्थ ऑफ वॉकवे दे रखी, कितनी दे रखी है, 4 मीटर की दे रखी है विड्थ ऑफ वॉकवे, कितनी दे रखी है, 4 मीटर की दे रखी है आपको विड्थ ऑफ वॉकवे, ठीक है। तो एक तरफ से ये गर्डर जो है हाफ लोड लेगा और इधर से हाफ लोड लेगा, ठीक है। आपको एक तरफ से जो है एक जो लैटिस गर्डर होगा आपका वो इस तरह से जो है हाफ लोड लेगा, ठीक है, हाफ पोर्शन का ये लोड लेगा, समझ आ रही है बात है, ये आपको समझनी है इसके अंदर। क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टोटल लोड एक ही तरफ चले जाए, टोटल लोड एक ही तरफ चले जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा वो हाफली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके, क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको डेड लोड ऑफ स्लैब, हमने जो पहले स्टेप में कैलकुलेट किया था 2.75 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, नो सॉरी डिवाइड बाय 4/2, मतलब जो उसका आधा इधर ले लीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डेड लोड ऑफ स्लैब मिल जाएगा इस गर्डर के ऊपर 5.5 किलो न्यूटन। उसके बाद फ्लोर फिनिश जो था हमारे पास 0.75 है, तो 0.75 × 4/2 कर दीजिए, मतलब आधे भी कितना आएगा वो निकाल लीजिए, तो आपको ये कितना मिलेगा 1.5 किलो न्यूटन मिलेगा। और इसका आपको सेम एज जो है सेल्फ विट ट्रस का एज्यूम करना होगा। अब ये सेल्फ विट भी आप 0.5 करो, 0.6 करो, 0.7 करो, 0.8 करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप कर सकते हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आपको इसके अंदर कोई ऐसा महसूस नहीं करना कि यार अब मैं कितना करूँ, अगर मैं 0.8 करूँगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर 0.7 कर रखा है, आप 0.8 भी कर सकते हो, 0.6 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डेड लोड अगर कैलकुलेट करें टोटल, तो 7.7 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है आपका डेड लोड, ओके। और फैक्टर करें अगर उसमें तो 11.6 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है,
समझ आ रही है आपको बातें? रेंज तो होता होगा ना सर। देखिए इसमें किसी रेंज को स्पेसिफाई नहीं किया है, इसके इनके हिसाब से अगर देखें तो एजम्पशन इन्होंने लिया है, ठीक है। अगर रेंज होती तो वो रेंज हमें दे देते, लेकिन हमें यहाँ पर रेंज कोई किसी चीज़ की दे नहीं रखी है, ठीक है। तो एजम्पशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन दे रखी है उन्होंने कि भाई आपको एज्यूम कर लेना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखिए अगर आपको रेंज दे रखी होती है ना तो उसे हम एजम्पशन नहीं कहते, उसे हम कंसिडरेशंस कहते हैं। अगर आपके पास 1 से 2 आपको रेंज दे रखी है तो 1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, हम ये नहीं कह सकते एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम मतलब क्या होता है? एज्यूम मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू का कोई वजूद ना हो, ठीक है, उसे हम एज्यूम कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी एज्यूम कहते हैं उसे। लेकिन जिस वैल्यू का वजूद है उसे हम एज्यूम नहीं करेंगे, उसे हम कंसिडरेशन कहेंगे हमारी कि भाई 1 से 2 के बीच की जो वैल्यू है वो हम लेंगे। समझ आ रहा है आपको बात है? एजम्पशन का और कंसिडरेशन का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना है, हमें क्या करना है? एज्यूम करना है। तो भाई देखिए एज्यूम करने के बाद हमारा जो फैक्टर डेड लोड आ रहा है वो आ रहा है 11.6 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर हम लाइव लोड की बात करें तो आपको लाइव लोड क्वेश्चन में डिट्टो दे रखा है कितना है, डायरेक्ट 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पर मीटर के अंदर देखें कि भाई हाफ इधर ट्रांसफर होगा तो 4/2 कर लीजिए, तो आपको लाइव लोड मिलेगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, आपको लाइव लोड मिल चुका है, ठीक है। इस तरह से हम जो जा रहे हैं, ये तरीका जो हम अपनाया है हमने, सीधे मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट किए बिना, तो ये सही है या गलत है? यस और नो, सही है या गलत है? क्योंकि आपको अल्टीमेटली कंफर्टेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें समय लेके आगे बढ़ना है और ख़त्म कर देना है। आपको समझ में आ रहा है मैं इस तरह से जा रहा हूँ आगे, तो यस और नो? एकदम परफेक्ट है, ठीक है। दूसरा कोई बंदा है जो अपनी राय, अच्छा ठीक है, चलिए, हाँ तो बहुत खूब। चलिए इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे पास अच्छी तरह से सिलेबस कवर भी हो सकता है और टाइम भी बचता है और बाकी अपने आप से आप यूटिलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कई तरह के और मेरी भी एनर्जी इसके अंदर सेव हो जाती है, ठीक है, सबसे एडवांटेज तो ये है, ओके। तो भाई चलो, हमने क्या कर रखा है यहाँ पर कि लाइव लोड निकाला, डेड लोड निकाला फैक्टर का, और दोनों को प्लस कर दिया, टोटल फैक्टर लोड हमें मिल गया UDL, वो कितना मिल रहा है हमें? 26.6 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है? टोटल UDL जो इसके ऊपर होगा कितना होगा? 26.6 किलो न्यूटन, जो आपको फर्दर इसके अंदर कंसिडर करना होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें अब शुरू होती है कि भाई आपको क्या करना होता है कि अब इसके अंदर जो टॉप कोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो बॉटम कोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो डायगनल मेंबर्स होते हैं या वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, आपको इन्हें एनालाइज करना होता है और इनके अंदर पर्टिकुलरली कितना लोड आ रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। हर्ष कह रहे हैं कि सर ये डेड लोड एंड लाइव लोड अलग लेके क्यों किया, पहले जैसा कर सकते हैं? अलग लेके क्यों किया, पहले जैसा हमने क्या किया? डेड लोड लाइव लोड देखिए, अगर आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि अगर एक साथ लेकर आंसर सेम आ रहा है तो बिल्कुल सही, आप एक साथ लेकर भी कर सकते थे, लेकिन अगर अलग लेके आंसर सही आ रहा है तो फिर आपको अलग लेना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक मेजर जो डिफरेंस हो सकता है वो ये हो सकता है, हमने जो डेड लोड लिया यहाँ पर, सेम ही होगा, ठीक है, सेम ही होगा, फिर भी आप एक बार कर लीजिएगा, ओके। ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहिए इसकी, जो भी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू काश, थैंक यू, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, स्मार्टली अगर जाइए, अगर आपको कोई टिक इसके अंदर मिल जाती है, ट्रिक मतलब सॉल्व करने की आसानी से, टाइम बचाने की, तो आप उसे एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई थम रूल नहीं होता है, ठीक है, कि आपको दोनों अलग करना है या एक साथ करना है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे वो सही होगा वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डेड लोड लाइव लोड निकाल लिया है। आगे अब बढ़ते हम टॉप कोड के अंदर फोर्स निकालने के लिए, टॉप कोड मेंबर जो होते हैं उसके अंदर फोर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं ज़रा, और यही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इस चीज़ों को। इसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई किस तरह से निकाला जाता है टॉप कोड में और बॉटम कोड में, इस तरह से। इसमें खास होता है ILD, इसको क्या करना है आपको, ILD ड्रॉ करने होते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक मेंबर है, ये आपका जो है ट्रस है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास है सारे एन टाइप है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये आगे आपका कंटिन्यू हो रहा है इस तरह से, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात है। इसे हम कहते हैं U0, U1, U2, U3, U4, U5, ठीक है, ये आगे का
कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं L0, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। इसकी जो हाइट है या डेप्थ है वो 3 मीटर की है, पैनल विड्थ आपकी 3 मीटर की है। इसके अंदर डायगोनल मेंबर तो हम भूल गए, ठीक है। डायगोनल मेंबर इस तरह से दे रखे हैं, ओके। ये बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा इस तरह से, आगे कंटिन्यू है, समझ आ रहे आपको बातें। तो इस तरह से आपको हमने जो हमने एंटाइप लैटिस गर्डर जो है वो इस तरह से हमारे पास है। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा कि U0 U1 के लिए ILD क्या होगा वो ड्रॉ करना होगा। सिमिलरली आपको U1 U2 के लिए ILD ड्रॉ करना होगा। ILD मतलब पता है ना आपको, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है। उसके लिए हमने अलग से हमारा पूरा चैप्टर डिस्कस कर रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारी चैनल के अंदर जाइए और उसमें देखिए हमारे, मैंने आपको सारे बहुत सारे वीडियोज़ के बना रखे हैं कि ILD किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो उन्हें जाकर, अगर आपको उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो, ओके। U2 और U3 होगा, तो अलग अलग मेंबर्स हमारे टॉप कोड के अंदर हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये बॉटम कोड मेंबर हो गए। हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं टॉप कोड के लिए। तो टॉप कोड के लिए ILD आपको बनाना है, सबसे पहले आपको इस तरह से ही करना होगा, ठीक है। टॉप कोड के लिए ILD बनाना है तो क्या करना होता है आपको, उसका फॉर्मूला होता है, उसका जो हाइट ऑफ ILD होता है उसका फॉर्मूला। हाइट ऑफ ILD मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए आपको U1 के लिए बनाना है, आपको क्या करना है U0 U1 के लिए बनाना है इसके लिए। तो इसका ILD यहाँ पर बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब ये हाइट जो है ये कितनी होती है, तो हाइट ऑफ ILD हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ILD इज इक्वल टू होता है A × L-A। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, डिवाइड बाय L × H। इसमें ए क्या होता है, तो ए इज नथिंग बट दिस पैनल विड्थ। ए क्या हो यहाँ पर, पैनल की जो विड्थ होगी वो ए होगी, ठीक है। एल आपका जो टोटल स्पान होगा, हमारे पास 24 मीटर दे रखा है, तो एल आपका टोटल स्पान होगा, और एच जो है आपकी ये हाइट हो जाएगी, एच जो आपकी ये हाइट हो जाएगी, ओके। इतनी सारी इसके अंदर वैल्यू है जो आपको सारी पता है इसके अंदर रखोगे। अगर हम देखें U1 के लिए, तो U0 U1 के लिए अगर देखें तो इसकी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, पैनल विड्थ 3 mm। अब देखिए आप कहोगे कि U1 आपके यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इसके इधर कोई पैनल नहीं है, इसके इधर कोई पैनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर आ रहे हैं, इधर पैनल होना जरूरी होता है, ठीक है, तभी आपको उसका ILD ड्रॉ होगा, उसकी हाइट आपको मिलेगी। तो ए आपके पास यहाँ पे 3 है, तो 3 ले रखा है। एल आपके पास 24 है, तो 24 माइनस 3 करना होगा आपको फिर से, ठीक है, डिवाइड बाय एल आपके पास 24 है इनटू हाइट आपके पास 3 है। इसका कैलकुलेट करा आंसर मुझे बताइए कितना आ रहा है, फटाफट बताइए। चलिए आप कैलकुलेटर उठाइए, बटन दबाइए और मुझे आंसर बताइए कि ये जो हाइट ऑफ ILD है ये कितनी आएगी। Come on. सचिन, वेलकम सचिन। 0.875, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 0.875। इसका मतलब ये जो हाइट है आपकी 0.875 आ रही है। कितनी आ रही है, 0.875, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं है। अब इसी तरह से आपको कहाँ तक करना है, L4 तक करना है, क्योंकि इसके बाद उधर जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल मिरर है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उधर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको अप टू यहाँ तक करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो मेम्बर होगा उसके लिए करते हैं। अब हम U2 के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी बताएगा मुझे कैलकुलेट करके, ठीक है, कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, ए 24 माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 24 इंटू 3 रहेगा ये। तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, डायरेक्ट U3 U4 करें तो मतलब, तो बाद में फिर U1 U2 कहाँ गया। U1 U2 के लिए आपको करना होगा ना, तो 1.5 आ रहा है आपका, ये 1.5 हो जाएगा। सिमिलरली U2 U3 के लिए करना होगा, U2 U3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, बताइए इसका आंसर मुझे कितना आ रहा है। देखिए समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ तक मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है, यस और नो। अगर छोटा सा भी डाउट हो तो आप हिचकिचाइए मत, मुझे बताइए क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और कोई है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए राहुल सुनिए, राहुल के लिए हम थोड़ा रिपीट कर देते, ठीक है, बाकी लोग भी एक बार देख ले जरा। आपको राहुल क्या समझ में नहीं आया तो बताओ, जब स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया।
डायग्राम में वैल्यू बतानी, हाँ डायग्राम में वैल्यू बतानी होगी, इसलिए आपको क्या है सारे मेंबर्स निकालने होंगे, ठीक है। और भी उसके आपको चेक भी करने होते हैं ना कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलिए ठीक है, अपन फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए आपको क्या करना होता है, हर एक मेंबर के लिए यहाँ पर आई एल डी ड्रॉ करना होता है, ठीक है। यू वन यू यू जीरो यू वन के लिए, यू वन यू टू के लिए, यू टू यू थ्री, यू टू यू थ्री, यू फोर के लिए आपको आई एल डी ड्रॉ करना है। यू फोर यू फाइव के लिए आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से यू फोर से जो है बाकी का जो मेंबर है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है इसी मेंबर के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको करने नहीं है, आप मिरर कर दो तो आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अपन बात करते हैं इधर हाफ की, ठीक है, इस हाफ की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले यू और यू जीरो और यू वन की बात करें, तो यू जीरो यू वन के लिए यहाँ पर आपका इस तरह से आई एल डी बनेगा। अब आई एल डी के अंदर क्या होता है, आपको हाइट की इसके अंदर इंपॉर्टेंस होता है, हाइट ऑफ आई एल डी आपको निकालनी होती है, ठीक है। अगर आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ा होगा या फिर हमारे वीडियोस देखो आपको पता होगा कि हाइट ऑफ आई एल डी आपको निकालनी होती है। अब हाइट ऑफ आई एल डी क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना होगा, इस यू एल डी आई एल डी का जो एरिया होता है वो आपको निकालना होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें कि भाई इस मेंबर के अंदर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू यहां पर होता है एरिया ऑफ आई एल डी, मतलब एरिया ऑफ दिस डायग्राम, मतलब आई एल डी इंटू लोड, जो हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले, ठीक है, लोड। तो एरिया ऑफ आई एल डी इंटू लोड इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके लिए इसके आपके लिए आपको इसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ आई एल डी निकालना होगा, और एरिया ऑफ आई एल डी के लिए आपको हाइट निकालनी होगी, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, तो आपको हाइट निकालनी होगी। समझ आए आपको बातें, हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपको आई एल डी आपने मतलब आपको आई एल डी आता ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, आपने आई एल डी पढ़ा ही नहीं है, बल्कि जो हमने जो पहले इससे पहले जो सेमिस्टर्स में अंदर कहीं ना कहीं आई एल डी पढ़ा है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, और मैंने भी पढ़ाया है आपको आई एल डी में, हमारे चैनल के ऊपर भी है, तो आप आई एल डी एक बार पढ़िए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आई एल डी किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तो आई एल डी के अंदर इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर हाइट निकालना, इस तरह से आपको अलग अलग इंस्टेंस के ऊपर कितना लोड है, कितना प्रेशर है, कितना फोर्स है, वो आपको पता चल रहा है आई एल डी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम U0 U1 की बात करें, तो U1 के लिए यहाँ पर हाइट कितनी होगी भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है A इंटू एल माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू एच। ए यहाँ पर जो है वो पैनल विड्थ होगी, L यहाँ पर जो है वो टोटल स्पान होगा, A यहाँ पर फिर से पैनल विड्थ होगी, H यहाँ पर जो है आपकी हाइट होगी। सारी चीज़ें रखो तो आपको यहाँ पर हाइट मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। उसी की अगर बात करें U1 U2 की, ठीक है, तो U1 U2 के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से यही बात होगी, इसके अंदर जो A हो जाएगा वो 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो H वो आपका 3 मीटर ही रहेगा, ओके। तो आपकी वैल्यू मिला जुला के जो है एक ही चेंज होती रहेगी, बाकी सारी सेम रहेगी, ठीक है, समझ आ रहा है आपको बातें। तो इसके अंदर क्या किया हमने, एक ही वैल्यू को चेंज करते गए और सारी चीज़ें हमने निकालते गए, आई एल डी अप टू यू थ्री यू फोर, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए आप किस तरह से है, क्या कोई प्रॉब्लम है U4 की अगर बात करें तो इस तरह से होगा, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा हमारा ऐसे वैसे बन रहा है, ठीक है, रफ है इसलिए, ओके। ये जो था हमारे पास ये U0 U1 के लिए था, ये हमारे पास जो है ये U1 U2 के लिए है, ये हमारे पास जो है ये U2 U3 के लिए है, और ये हमारे पास जो है ये U3 U4 के लिए है। अब U4 U5 सिमिलर है, ठीक है, U3 U4 के, ओके, इस तरह से आपको बढ़ना है आगे। और सभी चीज़ें अगर इसके देखिए फॉर्मूला आपको इसके अंदर एक इस्तेमाल करना है, अगर हम टॉप कोड की बात करें तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बॉटम कोड की बात करें तो यही, लेकिन आपको बॉटम कोड के अंदर एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने बताया आपको कि बॉटम कोड जो मेंबर होते हैं वो आपके टेंशन मेंबर होते हैं, ठीक है, ठीके? आगे बताओगा। चलिए आप पहले हम इसके फोर्स निकाल लेते हैं कि भाई कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है, कितना फोर्स आ रहा है हम ये निकाल लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए तो मैंने आपको बताया फोर्स जो होता है, अब फोर्स इन हम बात करते हैं पी, फोर्स इन यू जीरो यू वन की अगर बात करें, फोर्स इन यू जीरो यू वन की अगर हम बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सभी को यहाँ पे। पार्थ करेंगे सर, फुट ओवर ब्रिज में ओनली एन टाइप एंड वॉरन टाइप ट्रस के सम पूछे जाते हैं। देखिए अब तक अगर हम देखें जीटीओ का इतिहास उठा के, तो आपको दो ही तरह के पूछे गए हैं, ठीक है, ठीके? तीसरा इसके अंदर खास आता नहीं है, और कॉमनली जो यूज़ होते हैं बाहर प्रैक्टिकल में वो भी इन दो तरह के ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, अगर आपने बाहर देखे भी होंगे तो, ठीक है। पहले स्टडी कीजिएगा कि वॉरन टाइप किसे कहते हैं, एन टाइप किसे कहते हैं, बाद में आप बाहर जब निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, जो मैंने देखा था स्टडी किया था शायद लगभग वही यहाँ पर सारे कर रखे, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो वही यूज़ होते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी वही दो हमने कंसिडर कर रखे, ठीक है, ओके, समझ आ रहा है आपको बातें। चलिए तो अब यहां पर देखना है आपको एरिया ऑफ आई एल डी इंटू, एरिया ऑफ आई एल डी कितना होगा इसका, तो हाफ इंटू बेस इसका कितना होगा, टोटल बेस आपको 24 होगा, इंटू हाइट इसकी कितनी होगी 0.875, ठीक है, इंटू हमारे पास लोड कितना था जो हमने निकाला था सबसे पहले, डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेट इज 26.6। तो ये आपका इसमें यू वन के अंदर, यू यू जीरो यू वन के अंदर जो लोड है आपको मिलेगा, कितना आ रहा है यू
279.3 किलो न्यूटन। और क्योंकि टॉप कोड मेंबर जो कंप्रेशन में होता है, ठीक है, तो कंप्रेशन लेना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ये सबसे ईजिएस्ट स्टेप थे आपके, ठीक है, सबसे ईजिएस्ट स्टेप थे आपके। हाँ, काश एफई भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको हम आगे जब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को लेकर, तब आपको बताएंगे हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, तो हम बाद में ही बातें करेंगे सारी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे कि भाई अगर आपको मेंबर के अंदर फोर्स निकालना है तो किस तरह से निकाला जाता है, उसका एरिया ऑफ आईएलडी इनटू लोड। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? कंफ्यूजन हो तो यस, नहीं हो तो नो, जल्दी कीजिए फटाफट। कोई कंफ्यूजन नहीं है काश को, ठीक है, श्रद्धा को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राहुल को कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिहिर को कंफ्यूजन है क्या? मिहिर कहाँ गए? खास मेंबर है भाई साहब हमारे, ठीक है, ओके, चलिए, मतलब मैक्सिमम लोगों को या फिर सारे लोगों को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। बस सिमिलरली आपको इसी तरह से करना क्या है, पी यू वन यू टू के लिए निकालना है। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये 478 आ रहा है, ठीक है, आंसर लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास बुक है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। यू टू यू थ्री के लिए निकालना है और यू थ्री यू फोर के लिए निकालना है। तो बेसिक जो कोर कंसेप्ट था इसका, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स दिया उस तरह से। तो हमने क्या किया कि सारे जो ऊपर से लोड आ रहे थे टॉप कोड के अंदर जो भी फोर्स है वो हमने निकाल लिया है। अब बॉटम कोड की बात करते हैं, तो देखिए बॉटम कोड को अंदर आपके अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, अलग से कैलकुलेशन की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉटम कोड हमें पता है कि वो जो है टेंशन में होते हैं, वो जो है टेंशन में होते हैं, और जितना लोड यहाँ पर होगा उतना ही लोड यहाँ से ट्रांसफर होते हुए इस पैनल में जाएगा, ठीक है, ये जो फोर्स है इस पैनल में, बस इसका जो नेचर होगा फोर्स का वो अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। सिमिलरली इस पैनल का जो लोड है वो इस पैनल के अंदर जाएगा, तो फिर इस पैनल के बारे में क्या, इट विल बी जीरो। ये इसके अंदर जो देखिए हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए पी, यहाँ पर अगर हम देखें L0 L1 जो होगा यहाँ पर वो जीरो होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे आगे पीछे कोई पैनल नहीं जहाँ से उसके ऊपर लोड ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। U0 U1 का जो पैनल लोड है वो यहाँ पर L1 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P L1 L2 इज इक्वल टू कितना हो सकता है U0 U1 और ये जो लोड है आपका माइनस में नीचे आएगा, ठीक है, तो माइनस यू जीरो यू वन हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बातें? जो भी लोड इसका होगा आपका यहाँ पर, मतलब मान लीजिए कि आपका 279 ऊपर था, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 279 L1 L2 के लिए 279 हो जाएगा माइनस में। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कंफ्यूजन है यस, कंफ्यूजन नहीं है नो, जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, जो भी आपका टॉप कोड का लोड होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसफर होगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि वो टेंशन में होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह से आपको क्या करना है, सारे मेंबर्स के लिए टेंशन के अंदर भी निकाल लेना है फोर्स, ओके, समझ आ रही कोई बात है? अगर हम देखें इसके अंदर टेंशन के लिए, तो टेंशन के अंदर सारी चीज़ें निकाल रखी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्टिकल मेंबर्स की, कि भाई वर्टिकल मेंबर्स के अंदर किस तरह से निकालने होते हैं। अब देखिए वर्टिकल मेंबर के अंदर जो डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका होता है वो बदल जाता है, ठीक है, इसके अंदर ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, मुश्किल नहीं है, आसान है, और कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, एग्जाम के अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो तरीका होता है निकालने का, वर्टिकल आपके मेंबर कौन कौन से होंगे, U0 L0, ठीक है, वर्टिकल मेंबर कौन से हो गए, U0 L0 U1 L1 U2 L2, ये आपके वर्टिकल मेंबर्स हो गए हैं। अब इन वर्टिकल मेंबर्स का अगर डायग्राम निकालो आप तो किस तरह से बनेगा, देखिए वर्टिकल मेंबर के अंदर हाइट ऑफ आईएलडी जो होती है वो क्या होगी, आपके पास टोटल पैनल कितने हैं, 8 पैनल है आपके पास, कितने पैनल टोटल है, 8 पैनल आपके पास है। अगर हम इस, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम बात करें सीधे इसकी, तो ये जो है इस तरह से बनेगा, और इसका जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 7, क्योंकि आप यहां से एक इधर आ चुके हो तो यहां पर एक माइनस हो जाएगा, मतलब 7, और टोटल कितने आपके पास, 8, तो 7/8 आपका इसका यहां पर हाइट आएगी, ठीक है, समझ आ रही है बात है? ये सिंपल है, ये आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर कितना आ रहा है, 0.875 आ रहा है, मतलब इसकी जो हाइट है 0.875 हो रही है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम,
तो इसके अंदर इस तरह से बनेगा। और हाँ, इसके अंदर मैं आपको बताया था कि टेंशन मेंबर के अंदर, सॉरी वर्टिकल के अंदर मेंबर कॉम्प्रेशन में भी होता है एज वेल एज टेंशन में भी होता है, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा पहले तो आपका आईएलडी, वो इस तरह से बनेगा। और ये जो होगा ये 6/8 होगा आपका, कितना होगा 6/8, 6/8 कितना है आपका वैल्यू यहाँ पर, 6/8 की वैल्यू दैट इज 0.75, ये कॉम्प्रेशन में होगा, ये पॉजिटिव होगा। टेंशन में कितना होगा, तो देखिए टेंशन में क्या करना है आपको, टेंशन में आपका क्या होगा, तो ये जो पैनल है आपका, एक पैनल छूटा है, ठीक है, आपका एक पैनल छूटा है यहाँ पर टेंशन में, तो 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/8 होगा आपका, सिंपल है भाई साहब, कितना होगा 1/8 होगा, 1/8। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए मुझे, कोई कन्फ्यूज़न है, वागेला हाय, ये क्या हो रहा है। काश कह रहे हैं कि सर यू जीरो एल जीरो जीरो नहीं आएगा, अपने जीरो बोला, यू जीरो एल जीरो जीरो नहीं आएगा, अच्छा मैंने जीरो बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने गलती कर दी मतलब, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो यू जीरो एल जीरो के लिए जो वैल्यू होगी वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लोड होगा, ठीक है, आपको पहले की लोड निकालना होगा इसके अंदर, वो हम आगे बात करेंगे, अब हम सीधे अभी जो है अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। काश वो हॉरिजॉन में होता, अच्छा हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल मेंबर में होता है, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है भाई साहब, हमने पॉजिटिव निकाला नेगेटिव निकाला, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे, हमने पॉजिटिव में निकाला नेगेटिव में निकाला, ये आपका 1/8 हो जाएगा, ये आपका 6/8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा ये। अब देखिए एक चीज के अंदर देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस आपका छूट रहा है, इस डिस्टेंस को हमें निकालना होगा x मान के, और ये डिस्टेंस आपका जो पूछ रहा है, क्योंकि आपकी देखिए ये पूरी एक पैनल आ रही है, ये एक पूरी पैनल है, अगर ये x है तो हम ये जो डिस्टेंस है इसे हम कह सकते x माइनस थ्री या थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स थोड़ी। अब हम ये डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, कंप्रेशन का ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस ही होता है पूरा, तो आपको पूरा बेस यहां पर कंसिडर करना होगा ट्राइंगल के लिए, ठीक है, हाफ इंटू बेस, तो बेस के लिए आपको ये एक्स बेस के अंदर इंक्लूड करना होगा, इसलिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। अब एक्स की वैल्यू किस तरह से निकलेगी अंदर यहाँ पे, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स अपॉन ये वैल्यू, 1/8 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी वहाँ पे, 0.125, ये कितनी आएगी 0.125 आएगी, इज इक्वल टू 3-x डिवाइड बाई ये वैल्यू 0.75। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, यस और नो, सिंपल है। तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपकी कितनी, दैट इज 0.428, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो भाई देखो ये जो है आपका टेंशन में जाएगा, ये कंप्रेशन, टेंशन में नीचे आएगा, कंप्रेशन में ऊपर, नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, ठीक है डायग्राम के अंदर। तो ये डायग्राम किस तरह से प्लॉट किया जाता है पता चल गया आपको वर्टिकल मेंबर के अंदर, कि भाई अगर आपका पॉजिटिव है तो देखिए यहां पर जो है 6/8। अब अगर बात करें इसकी, हमने अभी बात जो करी वो इसकी, अगर हम आगे बढ़े तो आपको क्या होगा यहाँ पर 5/8 हो जाएगा आगे के लिए, 5/8 और ये 2/8, सिमिलरली आप आगे जाओगे तो 4/8 और ये 3/8, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, सिमिलर है, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट सेम रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोर कंसेप्ट किस तरह से रहता है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर इसके अंदर कोई कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है ये गलत है या सही है, तो अपनी अभी इसे क्लियर कर देते हैं, बताइए मुझे फटाफट, चलिए कोई डाउट हो तो यस, कोई डाउट नहीं है तो नो, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक भी करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो, समझ आ रहा है तो, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई करें फटाफट, हमें आगे बढ़ना है अभी। अच्छी बात यह कि हमारा लास्ट चैप्टर है, और ऐसे अगर चला तो लास्ट आज रात के जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, होता कुछ नहीं है आपको, हाँ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आपको इनफ नहीं है सर, कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है ओके चलिए कन्फ्यूज़न नहीं है, तो भाई जितना मैंने पढ़ा दिया उतना इनफ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पूरे एग्जांपल को खुद से सॉल्व करना होगा। हाँ फिर जहाँ अटके वहाँ पर आप फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए या फिर अपनी बुक में देख लीजिए, लेकिन आपको सॉल्व आपका पूरा करना होगा इस न्यूमेरिकल को, तभी आपको जाके एग्जाम के अंदर लिख पाओगे, ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है।
तो भाई हमने यहाँ पर देखिए वर्टिकल मेंबर्स के लिए इस तरह से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। अब इन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्या यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, तो फिर से वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला और इंटू लोड वाला डिस्ट और मतलब जो फंडा है वो। ठीक है, पहला जो लोड था हमारा यहाँ पर U0 U1, जो मैंने गलती से आपको जीरो बोल दिया था, ठीक, किसी ने मुझे टोका भी था, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा देखिए कोई भी बच्चा हो अगर जिसको भूल पकड़ में आ रही है तो तुरंत बोल दिया करें, ठीक है, ताकि आपकी वजह से बाकी लोगों का नुकसान ना हो, बाकी लोगों को गलत संदेश ना जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो लोड आएगा आपका पी इन यू जीरो एल जीरो वर्टिकल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको हाइट यही कंसिडर करनी होगी इसके लिए 0.4, क्योंकि इसके आगे कोई पैनल नहीं है। ठीक है, इनटू इसका जो लोड होगा वो लोड कितना आपके पास 26.6 है टोटल लोड, तो ये आपकी वैल्यू 279.3 आ रही है कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अब इसके अंदर देखिए टेंशन तो है नहीं कुछ, तो टेंशन इसके अंदर आएगा नहीं। दूसरे की बात करते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ होता है लोगों को। ठीक है, काश कह रहे कि सर मेरा क्वेश्चन ऊपर है, काश आपका क्वेश्चन कंप्रेशन वाला आईएलडी अप आएगा। हाँ, मैंने बताया तो सही काश आपको, कंप्रेशन हमेशा कंप्रेशन का जो आईएलडी है वो ऊपर आएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव मतलब जो टेंशन का आईएलडी है वो नीचे आएगा। ठीक है, या फिर उसका दूसरा का आपको क्वेश्चन तो बताइए मुझे। तो भाई देखो अब हम बात करते हैं यहां पर यू वन एल वन की, अब इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नहीं सर उसके नीचे पूछा है, मतलब आपका मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या पूछ रहे हो मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए लिखकर जरा आसानी से, आसान भाषा में, जिस तरह से मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं उसी तरह से आसान भाषा में सवाल पूछा करो डिटेल में थोड़ा। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हो, कंप्रेशन का उसके नीचे पूछा है, इसमें थोड़ा डिटेल में पूछिए मुझे जवाब आप सवाल आप। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर P1 L1 की। ठीक है, मतलब मेंबर U1 L1 की बात करते हैं, तो U1 L1 की ILD के ऊपर आप नजर डालोगे तो देखिए ILD यहाँ पर जो कंप्रेशन में होगा वो आपके पास कितना होगा 6/8 होगा, मतलब 0.75 हाइट हो रही है, और जो टेंशन में होगा उसके पास पॉइंट। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका कंप्रेशन एरिया निकालना होगा, तो कंप्रेशन एरिया कितना होगा, कंप्रेशन एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस। हाँ, अब इसका जो बेस होगा ये यहाँ इतना होगा, पूरा बेस कितना होगा, इतना होगा 3 - x बेस के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल पूरा इस तरह से बन रहा है, ट्राइंगल पूरा इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो 3 - x बेस के अंदर इंक्लूड होगा, ये आपकी जो भी उधर से लेंथ आ रही होगी वो प्लस आपको ये 3 - x इसके अंदर प्लस करना होगा। ठीक है, इन वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर ने आपने पूछा, देखिए आप ऐसे अधूरे, आपको अधूरे अधूरे सेंटेंस मत लिखिए, एक पूरा पैराग्राफ लिखिए, मुझे बताइए कि वर्टिकल मेंबर के अंदर आपको कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, पूरा पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, वर्टिकल मेंबर में आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में नहीं आया तो सर मुझे ये बताइए, पूरा एक पैराग्राफ लिखिए मुझे बताइए, अलग अलग मत लिखिए। ठीक है, चलिए तो क्या है यहाँ पर आपका, हाँ कंप्रेशन एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस, आपका बेस यहाँ पर आपको पूरा लेना होगा। अगर इसकी बेस की बात करें तो बेस आप कैलकुलेट करोगे अगर, तो आपका बेस कितना आ रहा है 20.572 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 18 यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कितना है पूरा, अगर हम उसकी पूरे स्ट्रेंथ पूरी लेंथ को कंसिडर करें तो ये पूरा 18 हो जाएगा, 18 प्लस आपको ये 3 - x करना होगा। x की वैल्यू हमारे पास कितना आ रही थी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 0.428, कितनी आ रही थी 0.428, तो 3 - 0.428 करोगे आप, उसके बाद इसकी वैल्यू को इसके अंदर रख दोगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी 20.572, कितनी वैल्यू मिलेगी 20.572 आपकी बेस की वैल्यू मिलेगी, इनटू उसकी हाइट कितनी है 0.75, तो आपको कंप्रेशन के अंदर जो एरिया था वो मिल गया। सिमिलरली आपको जो है टेंशन के अंदर एरिया निकालना होगा, टेंशन के अंदर एरिया कितना होगा इसका हाफ इंटू बेस आपका कितना होगा, बेस इतना होगा आपका, तो 3 + x करना होगा इसके अंदर, क्या करना होगा आपको 3 + x, जो भी वैल्यू 3 + x की आएगी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 3.428 आ रही है, 3.428 आपकी वैल्यू आ रही है, इंटू उसकी जो हाइट होगी 0.125, तो आपको दोनों एरिया कंप्रेशन एरिया एज वेल एज टेंशन एरिया मिल गया है। ठीक है, इन वर्टिकल मेंबर U2 L2 का डायग्राम हम U3 L3 पे क्यों लेते हैं, इन वर्टिकल मेंबर U2 L2 का डायग्राम हम U3 L3 पर क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस वहां पर होता है, उसका जो U2 L2 का इन्फ्लुएंस कहां होगा U3 L3 पर होगा, क्योंकि ये
इंक्लाइन, ये जो लोड है इंक्लाइन पोजीशन में बाहर जा रहा है, ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए U2 L2 का जो इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि एक लोड की वजह से दूसरे इंस्टेंस पर, दूसरे पॉइंट पर उसका क्या इफेक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है, ठीक है। तो इसका U2 L2 का जो इन्फ्लुएंस होगा वो UT L3 पर हमें पता चलेगा। समझ आ रही है आपको बातें, ठीक है। तो भाई ठीक है, यहां पर हमने क्या करना है कि दोनों कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन एरिया निकाल लेने हैं, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन एरिया हमने निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, फोर्स निकालना है कि भाई फोर्स, हाँ फोर्स से पहले आपको क्या करना होता है इसके अंदर कि भाई नेट एरिया निकाल लीजिए। नेट एरिया क्या होगा आपका, तो कंप्रेशन माइनस टेंशन। नेट एरिया क्या होगा आपका, कंप्रेशन माइनस टेंशन। तो कंप्रेशन माइनस टेंशन अगर आपके पास बुक है तो आपको अच्छा तरह से पता चल रहा होगा कि एक टेंशन एरिया आपका कितना है, -0.21 है, कंप्रेशन एरिया आपका 7.71 है। नेट एरिया कितना निकलेगा आपका यहाँ पे, तो भाई कंप्रेशन माइनस टेंशन निकाल लीजिए तो 7.5 मीटर स्क्वायर का नेट एरिया आपका निकल के आ रहा है। ओके, अब आपको नेट एरिया के बेसिस पर जो है डेड लोड और लाइव लोड को कंसिडर करके, इसके अंदर भी डेड लोड लाइव लोड जो है वो कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों अलग अलग निकालना होगा आपको, ठीक है। तो डेड लोड की अगर बात करें तो डेड लोड के अंदर 7.5 डेड लोड आपका कितना था, 11.6, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, पहले देखिएगा, पहले पिछले स्टेप के अंदर देखिएगा, डेड लोड लाइव लोड हमने सारे कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको वो मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस आपको क्या करना है इसके अंदर, फोर्स ड्यू टू लाइव लोड। अब लाइव लोड के अंदर आपको कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए निकालना होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन के लिए इसका लाइव लोड का आ रहा है 115.65 आ रहा है और टेंशन के लिए इसका आ रहा है -3.15। देखिए यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। वेलकम काश, वेलकम। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन तो मुझे बताइए यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए एक बार ताकि मुझे पता चले, यस और नो, हम सही जा रहे हैं तो यस, हम गलत जा रहे हैं तो नो, बताइए चलिए मुझे फटाफट। अगर हम इसी तरह से जाएंगे तो अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे हम अच्छे साथ पूरे क्वेश्चन को, अगर कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए ठीक है। ऑल क्लियर सर, आपकी क्वालिफिकेशन, आई एम बीटेक सिविल इंजीनियर, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बढ़िया, सही जा रहे हैं अपन। अच्छा आप, हम आप जो ये क्या है, जोहेब कह रहे हैं कि हम सही नहीं जा रहे हैं, ठीक है जोहेब, आपके हिसाब से शायद। देखिए जोहेब मैं बता दूं आपको कि अगर हम पूरे कैलकुलेट करें यहाँ पर हर एक चीज़ें तो बहुत लेंदी होता है और कम से कम हमें मिनिमम 2 घंटे लगेंगे इसको सॉल्व करने में, अगर मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा लिख लिख के सारी चीज़ों कैलकुलेट कर करके। इसलिए मैं इसके अंदर कैलकुलेशन पोर्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन पोर्शन जो है सिंपल होता है, उसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं, जो मेन कंसेप्ट जहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट जो होते हैं वो आपका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझ मास कर रहे हैं, एमटेक क्वालिफाई किया क्या, अरे मैं एमटेक किया ही नहीं भाई, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सीधे, ठीक है। मैंने बीटेक करने के बाद सीधे जॉब स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, कंसल्टेंसी के अंदर एज अ बिल्डिंग प्लानर एंड इंजीनियर, ठीक है। गुड मॉर्निंग तुषार, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बातें बाद में करेंगे हम लोग, ओके। तो देखिए सुन लीजिए, अपनी किताब और अपने आंख और कान दोनों खुले रखिएगा, तीनों खुले रखिएगा, ठीक है। चलिए तो फोर्स हमने देख लिया भाई कि U0 L0 के अंदर क्या होगा, U1 L1 के अंदर क्या होगा, ओके। कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर निकाल लिया, नेट एरिया निकाल लिया, उसके हिसाब से हमने डेड लोड और लाइव लोड निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली अब हाँ, आपने जो डेड लोड और लाइव लोड निकाला उसके बाद आपको लोड कॉम्बिनेशन और इन लोड में से जो इन लोड कॉम्बिनेशन में से जो मैक्सिमम लोड होगा वो आपको एज अ डिजाइन लोड कंसिडर करना होगा, आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइव लोड निकाल लेना है, डेड लोड के लिए निकालना है फोर्स, उसके बाद आपको लोड कॉम्बिनेशन, दो लोड कॉम्बिनेशन बनेगी क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड आपके पास है, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड इन कंप्रेशन और दूसरा होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड इन टेंशन। तो दो लोड कॉम्बिनेशन आपको हर एक मेंबर के लिए निकालना होता है, ठीक है। दो लोड आपको देखिए, ये तुषार पूरे कि मेक लेक्चर ऑन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर को डिजाइन किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। हमारे पास उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखिए हमारे चैनल के अंदर जाकर आपको मिल जाएगी। चलिए तो लोड कॉम्बिनेशन आपने निकाल लिया, उसके बाद सिमिलर सेम तरीका आपको अपनाना है U2 L2 के लिए, आपको सेम तरीका अपनाना है U2 L2 के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेम तरीका अपनाना है U3 L3 के लिए और सेम आपको आगे बढ़ना है, ओके। इसके अंदर आप मतलब बताइए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है क्या, मुझको लग रहा है आपको कि हमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी चाहिए या फिर आप समझ गए हो, यस और नो, क्योंकि देखिए कंसेप्ट आपका बदल नहीं रहा है इसके अंदर, चाहे वो U2 U3 हो, U3 U4 हो, कंसेप्ट आपका बदल नहीं रहा है, ठीक है। कंसेप्ट एक ही रहेगा, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको जो मेन कोर कंसेप्ट था वो बता दिया है, आगे बढ़ते हैं अपन।
आगे बढ़ेगी हम पर। देखिए हमने क्या किया, वर्टिकल मेंबर के लिए निकाल लिया, हमने टॉप कोड के लिए निकाल लिया, बॉटम कोड के लिए निकाल लिया, वर्टिकल मेंबर्स के लिए निकाल लिया। ओके सर, U3L3। अच्छा U3L3 में आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, U3L3 के अंदर क्या करना है आपको, हाफ कंप्रेशन एरिया निकालना है, फिर उसके बाद आपको टेंशन एरिया निकालना है, उसके बाद आपने क्या किया, नेट एरिया निकाल लिया, फोर्स ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड निकाल लिया, लोड कॉम्बिनेशन कर लिया। उसके अंदर क्या मिहिर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे बताइए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताइए, आपको डायग्राम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या फिर लोड कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि किसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, वरना मैं बच्चे के चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ वो उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और समझ आ रहा तो कितने हद तक आ रहा है। लोड कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा है सर, वैसे क्लियर हुआ है, वैसे क्लियर हुआ है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो, आपको क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका है, डाउट है या नहीं है। हेलो हेलो गौरव, चलिए बताइए जो भी आपका, बट डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम, मुझे पता था आपको वही शायद प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए डायग्राम ड्रॉ करने में आपको कैसा प्रॉब्लम हो रहा है मैं आपको बता दूँ, एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बता दो। चलिए आपको कोई बात नहीं, इस डायग्राम को अपन कंप्लीटली रफ कर देते हैं और मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ उसका। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर U3L3, आपको U3L3 के अंदर डाउट था मिहिर, यस और नो? मिहिर यस और नो? बुक नेम है हमारे पास डॉक्टर आरपी इटालिया की लिखी हुई, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये आपका इस तरह से हमने बेस बना लिया उसका, ठीक है। पहले U3L3 के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, U3L3 के लिए कर रहे हैं ना। ओके मिहिर, आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, इसके उधर से कितने पैनल हैं, चार हैं, टोटल कितने हैं, एट है, तो 4x8 हमने कर लिया, हमने क्या किया 4x8 कर लिया, ठीक है 4x8, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। इधर से कितने पैनल बचे हुए, 1 2 3, तो 3x8 कर लिया आपने मिहिर, 3x8 कर लिया आपने, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ रही, 0.375। ओके ये जो डिस्टेंस आपका होगा, डायग्राम जो है आपका वो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर होगा ये, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका इसे हम एक्स कहेंगे मिहिर, और इसे हम 3-x कहेंगे। हाँ अब सही है, ठीक है सर, गलत कर दिया तो, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x होगा, ये 3-x होगा, और ये 3x8 होगा, ये 4x8 होगा। तो अब मुझे बताइए इसके अंदर आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, कंफ्यूजन कहाँ है इसके अंदर, कम ऑन मिहिर बताइए मुझे कंफ्यूजन कहाँ है। x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी भाई, तो x अपॉन 0.375 इज इक्वल टू 3-x अपॉन 0.5। अब सही है, इजी है बीच में एक स्टेप छोड़ देना, पता है सर वो क्यों सर, मतलब समझ भी नहीं आ रहा मुझे आपका, क्या बीच में एक स्टेप छोड़ देना मतलब, वो जो एक सवाल किसी ने पूछा था कि हमें U3 U2 U3 का हम U3 U4 पर क्यों निकालते, वो आपने किसी ने मुझसे, आप में से सवाल पूछा था कि सर हम U2 U3 का U3 U4 पे क्यों निकालते डायग्राम, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लोड होते हैं, ये डायगनली जो लोड आपका इसके अंदर कंसिडर हो रहा है वो डायगनली क्रॉस होता है, डायगनली पास होता है, ठीक है
ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे अपन समझा देते हैं, ठीक है। ये डायगनली पास होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे, हमें ये, अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है कि भाई एक लोड की वजह से उसके दूसरे इंस्टेंट पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, पर्टिकुलर लोड की वजह से दूसरे किसी पॉइंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा, इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई U2 U3 का इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा, इसकी वजह से इस पर लोड कितना होगा U3 U4 पे, ये हम रेफरेंस से हमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का एक यही कोर कंसेप्ट होता है, सही है। चलिए, तो चलिए, मतलब काश और मिहिर पास पास रहते हो क्या आप लोग? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया वर्टिकल लोड के लिए, वर्टिकल लोड हमने सारे निकाल लिए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जान लीजिए एक दूसरे को। चलो काश, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। अजीब हो यार तुम लोग भी, मतलब। हाँ, तो हमने क्या किया भाई, वर्टिकल लोड के लिए निकाल लिया। अब बात करते हैं डायगनल फोर्स की, अब डायगनल लोड की बात करते हैं, मतलब डायगनल मेंबर्स की, ठीक है। डायगनल मेंबर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ हमने देखी थी पहले, ऊपर से निकाली थी 4.26 समथिंग आ रही थी, ठीक है। लेंथ निकाल ली आपने वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, ये जो डायगनल मेंबर्स होते हैं, क्योंकि ये एंगुलर है, ये एंगुलर है, क्या होता है, ये एंगुलर है, ठीक है। आपको देखिए, आपकी किताब में एक इस तरह से डायग्राम दे रखा है, वहाँ पर देखोगे आप, ये थीटा है, ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर है, ओके, ये डायगनल मेंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर थीटा आपका 45 डिग्री हो जाता है, थीटा आपका अगर 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है, इसका जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डायगनल का, वी अपॉन साइन थीटा। हम क्या कर रहे हैं, ये डायगनल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इसकी लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायगनल फोर्स कितना होगा इसके अंदर, अगर ये मेंबर डायगनली जाएगा वर्टिकल मेंबर की वजह से, ठीक है। तो हम डायगनल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर एंगुलर फोर्स लेना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम डी इज इक्वल टू वी अपॉन साइन थीटा कर देते हैं, समझ आ रहे को बात है, वी अपॉन साइन थीटा कर देते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं अपन, ठीक है, थीटा की वैल्यू अपन क्या करते हैं 45 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि भाई 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। इसकी वैल्यू अगर देखें तो कितनी आ रही है, 1.414 आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी, ओके। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है ना डायगनल फोर्स के अंदर, जो भी डायगनल मेंबर के अंदर जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, फोर्स, हाँ उसका फॉर्मूला होता है माइनस फोर्स इन वर्टिकल मेंबर इनटू कॉसेक थीटा, मतलब ये जो आपका डायगनल फोर्स था वो, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसलिए हम कॉसेक थीटा को निकाल रहे हैं। क्या होता है, माइनस एरिया, सॉरी माइनस फोर्स इन वर्टिकल मेंबर, माइनस फोर्स इन वर्टिकल मेंबर इनटू कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए हमें कॉसेक थीटा इस तरह से निकालना है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और फोर्स इन वर्टिकल मेंबर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, बस आपको नेगेटिव वैल्यू उसकी रखनी है यहाँ पर और माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको देखिए टेबल दे रखा है वहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए जरा, आपको टेबल बनाना है, और टेबल ना बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेबल आप क्यों बना रहे हो, क्योंकि टेबल आप क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बीच में कहीं, ठीक है, कि आपको वैल्यूज किस तरह से कहाँ से लेनी है, सारी चीज़ें टेबल के अंदर सारी चीज़ आपको एक साथ दिखा देगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो भाई देखिए, वर्टिकल मेंबर के अंदर कौन कौन से हैं, तो भाई U0, L0, U1, L1, U2, L2 ये सारे वर्टिकल मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। इनके अंदर जो लोड है, आप मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड दोनों लोड आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड कितना है, जाइए अपने वर्टिकल मेंबर्स के अंदर जो निकाला था उसमें से जो कॉम्बिनेशन आपके होंगे, दो आपने निकाले थे कॉम्बिनेशन, डेड लोड का और लाइव लोड का, तो उसके अंदर से जो मैक्सिमम लोड होगा, ठीक है, वो आपको इसमें लिखना होगा, और जो मिनिमम लोड होगा वो मिनिमम में रखना होगा, ठीक है। हर एक लोड में से इसी तरह से करना है। अगर हम डायगनल की बात करें तो U0, L1, U1, L2, U2, L3 आपके डायगनल मेंबर से, ठीक है। तो डायगनल मेंबर के लिए हमको, अब डायगनल मेंबर के अंदर फोर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो भाई देखिए यहां पर जो है माइनस फोर्स इन वर्टिकल मेंबर इनटू कॉसेक थीटा होता है। तो फोर्स इन वर्टिकल मेंबर जो भी आ रहा था आपका, ठीक है, माइनस फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस इनटू कॉसेक थीटा, मतलब 1.414 कर दीजिए तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, दो मैक्सिमम और मिनिमम दो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, यस और नो, प्रॉब्लम है तो यस लिखिए, प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिखिए। कोई भी छोटा सा छोटा कंसेप्ट अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन कहीं भी हो तो बता दीजिए मुझे, वरना सारा कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है।
ओके चलिए, मतलब आपको समझ में आ रही है यहाँ तक चीज़ें। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया कि भाई वर्टिकल मेंबर, टॉप कोर्ड मेंबर, डायगनल मेंबर, बॉटम कोर्ड मेंबर, इन सारे के अंदर क्या फोर्स, कितना लोड आएगा, कितना फोर्स आएगा, ये सारे हमने निकाल लिए, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आपको इसमें से क्या करना होगा, डिजाइन फोर्स निकालना होगा। डिजाइन फोर्स क्या होगा, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम फोर्स होगा इन चारों में से, वो आपको डिजाइन फोर्स निकालना होगा। भाई आपका जो टॉप कोड मेंबर था उसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा था मैक्सिमम, उसको आपको डिजाइन फोर्स लेना होगा। देखिए अपने अंदर जाके, वर्टिकल मेंबर जो हमारा था उसके अंदर, सॉरी टॉप कोड मेंबर हमारा जो था, टॉप कोड मेंबर के अंदर हमने मैक्सिमम जो लोड निकाला था कितना आ रहा था वहां पर, 638.4 किलो न्यूटन, ठीक है, जो कंप्रेशन में था। सिमिलर आपको बॉटम कोड के अंदर जो मैक्सिमम लोड था वो निकालना, वो यहाँ पर रख देना होगा, कंसिडर करना होगा एज अ डिजाइन लोड। सिमिलरली आपको वर्टिकल के अंदर करना होगा, डायगनल के अंदर करना होगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, यस और नो, कंफ्यूजन है तो यस, कंफ्यूजन नहीं है तो नो। हमने डिजाइन फोर्सेस यहां पर निकाल लिए, सारे लिस्ट आउट कर दिए कि भाई इस तरह से हमें आगे डिजाइन करना है। कोई कंफ्यूजन है तो यस, कंफ्यूजन नहीं है तो नो। जिन लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दे भाई। चलिए कंफ्यूजन नहीं है, और कोई है जिसे कंफ्यूजन है या नहीं है? तो डेढ़ घंटे की क्लास में हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ लोड कैलकुलेशन किया और लोड को लिस्ट आउट किया, मैक्सिमम डिजाइन लोड निकाला है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको जो है टॉप कोड मेंबर को डिजाइन करना है, ठीक है, आपको बॉटम कोड मेंबर को डिजाइन करना है, आपको वर्टिकल मेंबर को डिजाइन करना है, एज वेल एज आपको डायगनल मेंबर को डिजाइन करना है, इसका कनेक्शन भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ें हैं, ओके। इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं होता है कि सबसे पहले तो इसकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है, रिक्वायर्ड इसके अंदर जो भी डिजाइन है आपके पास, लोड तो पता है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एरिया कितना रिक्वायर्ड है वो आपको निकाल लेना है। अब देखिए एक काम करते हैं अपन इसको, आज वैसे भी थोड़ा मुझे काम है तो अपन आज रात में है ना इसे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करते हुए इसे ख़त्म करते हुए जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका उसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे आप कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हमने जो कंसेप्ट वाले पॉइंट थे वो सारे निकाल लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और जो आप डिज़ाइन पॉइंट, डिज़ाइन जो आपके स्टेप है डिज़ाइन के, वो हमें लगभग पता है, एक बार हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं, हो सकता है आज 3 बजे, शायद 3-4 बजे के आसपास हम एक लाइव क्लास रख दे अगर मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं आपको जो भी अपडेट होगी वो इंस्टाग्राम के जरिए और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगी उससे आप अपडेटेड रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, लाइव रहिएगा, ठीक है ना। आज के इस सुबह के लेक्चर के अंदर इतना ही, आपको कोई भी डाउट हो, कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट के जरिए, ठीक है। चलिए तो आपकी बातें इतनी हो रही पता नहीं है, हाँ हमारे इंस्टा की आईडी जो है, आप मुझसे पूछ रहे हो या फिर अंदर अंदर बातें कर रहे हो, पहले मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आप सारे लोग जो अंदर अंदर काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो पहले आप मुझे बता दीजिए क्या नाम है इनका। कैलाश वाघेला, आप मुझसे पूछ रहे हो इंस्टा की आईडी, इंस्टा की आईडी, हाँ देखिए इंस्टा की आईडी हमारी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेक्निकल सिविल, ठीक है, वहाँ पर जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर सीधा रिडायरेक्ट कर देगा वो लिंक, ओके। मैं तो इंस्टा यूज़ नहीं करता, तो करिए भाई, आजकल इंस्टा यूज़ नहीं करने वाले को गरीब माना जाता है, पता है आपको तो यूज़ इंस्टा यूज़ कर लीजिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, सोशल नेटवर्क पे। चलिए हम यहीं सूरत के बाजू में एक छोटा सा टाउन है जिसे हम बारडोली नाम से जानते हैं, वहीं हम रहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा एग्ज़ाम टाइम है इसलिए, चलो कोई बात नहीं चलो अच्छी बात है, आप अमीर हो, ठीक है। इंस्टा इंस्टॉल मत करो भाई, इसे इंस्टॉल रहने दो, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया करो, लत मत लगाना किस चीज़ की, एडिक्शन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो बस चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ओके। मुश्किल कुछ था नहीं इसके अंदर, बहुत आसान था, और लगभग लगभग हमने सिलेबस को कम्प्लीट कर लिया है। आई होप कि आपके जानने जान आ चुकी होगी अब कि आप आसानी से DSS को पास आउट कर सकते हो, DSS को आसानी से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एवरेज मार्क तो आराम से इसके अंदर आ ही जाएगी आपके, एवरेज कम नहीं आएंगे, एवरेज आएंगे, और एवरेज से आधा ज़्यादा उसके आ सकते हैं आपके, ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से पेपर को लिख कर आओ तो, ओके ना। चलिए तो बस आज इतना ही, अपन कल मिलते हैं, सॉरी आज रात 10 बजे मिलते हैं, और अगर दोपहर में आना हुआ मेरा फिर से तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से एंट्री कर रहा है यार, देखो यार तुम मेरी जान ले रहे हो, मतलब एक बार फिर एंट्री कर करवाओ मैं,
दैट्स नॉट अ ईजी जॉब. ओके, आप एक काम कीजिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, या फिर हमारे जो वीडियो अपलोडेड है हमारे वेबसाइट हमारे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर देख लीजिए. ठीक है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवाई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो फिर से उसी चीज़ को दोहराना बहुत यू नो बोरिंग चीज़ होती है, बहुत उसमें मज़ा नहीं आता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आजिज़ाना रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा आपसे कि आप हमारे चैनल के ऊपर जाइए. दो तरह की वीडियो आपको मिलेगी, एक तो वीडियो है जो बहुत पहले अपलोड किया था, तो आप वहाँ देखिए, वहाँ से मैं आपको पता चल जाएगा. हमने GTU के एग्जांपल ही सॉल्व कर रखे हैं. ठीक है, या फिर हमारे लाइव लेक्चर जो है, ठीक है, लाइव लेक्चर जो है सर लाइव में आज आ जाता है. लाइव में आ जाता है मतलब हमारे जो लाइव लेक्चर्स है वो अपलोडेड है. ठीक है, अपलोड हमने कर रखे हैं उसे, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो. आज का जो हमने अभी फिलहाल लेक्चर लिया है ये आपको आधे घंटे बाद यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा. ठीक है, अपलोडेड हमारे चैनल के ऊपर. तो ऐसा नहीं है कि जो लाइव लेक्चर है वो खत्म हो जाते हैं, लाइव लेक्चर रहते हैं हमारे चैनल के. हाँ, चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको DSS लाइव की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सारे लाइव लेक्चर जो भी अब तक 18-19 हमने लेक्चर लिए हैं वो सारे लेक्चर की लिस्ट आपको मिलेगी. आप उनमें से कोई भी लेक्चर को सिलेक्ट करके देख सकते हो, कभी भी कहीं भी. ठीक है, तो ये आपको अच्छी एक सुविधा है, फैसिलिटी है यूट्यूब की तरफ से, इंटरनेट की तरफ से. ओके, तो चलिए आप हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, थोड़े बहुत कामकाज भी उसे निपटा देते हैं. अगर 3-4 बजे तक ख़त्म होते हैं तो अपन एक बार फिर से लाइव की अनाउंसमेंट कर देंगे और लाइव आ जाएगी. अगर काम नहीं ख़त्म होता है, बिज़ी हूँ थोड़ा, तो फिर अपन रात 10 बजे ही आएंगे. ठीक है, जो भी अलर्ट होगा, जो भी हमारा अनाउंसमेंट होगा, आपको पता चल जाएगा. ठीक है ना. हाँ, ये क्या कर रहे हैं कि काश मेरे सर RP रेठले की बुक यूज़ करने से मना करते हैं. देखिए, आप GTU से हो काश, अगर काश आप GTU से हो तो आपके लिए RP रेठले बेस्ट होती है, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है. अगर आप GTU से नहीं हैं तो फिर आप RP रेठले यूज़ ना करें तो बेहतर रहेगा. हाँ, तो अगर आप GTU से हो तो देखिए RP रेठले इज़ बेस्ट बुक, क्योंकि RP रेठले के अंदर उतना ही होता है जितना आपको GTU के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है. और जो GTU के अंदर देखिए, अगर आप जो मोस्ट ऑफ टॉपर भी होते हैं तो वो RP रेठले बुक को ही प्रीफर करते हैं. ठीक है, रेफरेंस बुक करते हैं तो कोई बात नहीं, रेफरेंस बुक देखिए अच्छी बात है, रेफरेंस बुक प्रीफर कीजिए, लेकिन वो GTU पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हैवी हो जाती है बुक. ठीक है, रेफरेंस बुक जो होती है वो GTU पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी हैवी हो जाती है, और RP रेठले की सर की जो बुक है वो GTU पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है. ओके, तो देखिए हर चीज़ को प्रीफर करने का एक पॉइंट होता है. ओके, अगर आप मंजिल पर आगे जा रहे हो तो आपको रास्ते चुनने होते हैं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा उसमें, और हर एक मंजिल का रास्ता अलग अलग होता है. ठीक है, हाँ, नॉलेज पॉइंट, हाँ बिल्कुल, तो फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए रेफरेंस बुक इज़ बेस्ट. हाँ, अगर आप ओनली एग्जाम ओरिएंटेड हो तो फिर आपको रेठले सर की बुक यूज़ करनी चाहिए. लेकिन आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर बढ़ रहे हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो वो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो. ठीक है, रेफरेंस बुक बहुत अच्छी अच्छी होती है, एन सुब्रमण्यन की, ठीक है, SK दुग्गल की, भावी कट्टी की, जो अच्छी अच्छी बुक है वो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो. ओके, चलिए, तो बस आप आज मुझे इजाज़त दीजिए जाने की, हम फिर मिलेगी नेक्स्ट लाइव लेक्चर के अंदर इसी तरह से. ठीक है ना. हाँ, आपकी बात सही है, एग्जाम्पल अगर हम हैवी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तो एग्ज़ाम्स के अंदर इजी आ जाता है. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्लास के अंदर अगर आपकी 100 की क्वांटिटी है बच्चों की, 100 की संख्या बच्चों की है, तो उनमें से 2 या 5 ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा हैवी कंसेप्ट को या फिर ज़्यादा हैवी फंडामेंटल्स को या फिर ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस को हैंडल कर पाते हैं. बाकी लोग जो है वो ऑन एन एवरेज बच्चे होते हैं, तो उन्हें इतनी हैवी बुक भाती नहीं है, हज़म नहीं कर पाते वो लोग. ठीक है, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है तो आप RP रेठले सर की बुक को इस्तेमाल करें. हाँ, अगर आपको आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप सारी चीज़ों को झेल पाते हो, तो आप रेफरेंस बुक आपके लिए बेस्ट है. आई एम इंटरेस्टेड, हाँ, इसीलिए आप स्ट्रक्चरल के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आप इस तरह से कर रहे हो. ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है. ठीक है, जिसको आप मेंटेन रखना होगा, आपको बनाए रखिए इस क्वालिटी को, इंटरेस्ट को, और आगे बढ़िए. हमारी शुभकामना आपके साथ है. ठीक है काश, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत सारी बातें हो गई, मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, कामकाज भी और है. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए. तब तक के लिए धन्यवाद, आगे हमारे प्लेलिस्ट को देखते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछते रहिए. थैंक यू, हैव अ गुड डे.